बोल एंटरटेनमेंट के शोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें एक दफ़ा फिर आपको बोल कास्ट में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं सब खैर कहर खैरियत से होंगे कल का दिन बेहतर रहा होगा आप लोगों का आज भी मेरे साथ मैंने बताया था आप लोगों को कि साहिल अदीम साहब रहेंगे मेरे साथ और बहुत सारी बातें हैं बहुत सारे सवालत हैं Uh, कल का टॉपिक भी बड़ा अच्छा रहा और उस टॉपिक में एक बड़ी मज़े की बात आई थी और साहिल भाई वालेकुम कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं अलेक। uh, बातों बातों में एक बात निकली और वो थी रोज़े के असरात थर्टी uh, डेज बड़ा मुसलमान जागता है हमारा बड़ा कमाल यू you नो know, अंदर से ऐसा मुसलमान जागा हुआ होता है कि ना पूछें फिर उसके बाद ये होता है कि जब रोज़े ख़त्म होते हैं तो बड़ी लंबी लाइन होती है कराची में आ, कुछ स्टोर्स हैं उनके बाहर और कुछ आहिस् आहिस्त मेरे ख़्याल से चंद घंटों बाद ही वह असरात ख़त्म हो जाते हैं रोज़े के रोजे के ख़त्म होते ही रोज़ों के खत्म होते ही। नहीं मैं तो असल में ना जो जो वायरस हम ग्यारह महीने रोज़ सुबह दोपहर तो शाम लेते हो तो वो एक महीने में एकदम तो नहीं ख़त्म होने वाला और रोज़े का असर असल में तो शवाल में नज़र आना चाहिए तो हम शवाल इज़ द टेस्ट कि रमज़ान कैसा गुजरा है तो शवाल के पहले दिन ही हमने चुरी तेज़ कर ली होती हम तो पूरी कौम जब कर देते हैं ईद के नाम के ऊपर ना, बड़े लोग तो बदहज़मी के चक्कर में हॉस्पिटल भी चले जाते हैं वो तो खाना पीना तो चले जी एक अलग मगर रमज़ान आते ही जो स्पेशली दुकानदार जिस तरीके से रोज़ेदारों को ज़बा करने के लिए रोज़ सुबह निकलता है ना वो है असली इंडिकेटर कौम के हालात के हैं कि वो ब्लैक मेल करता है मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमान मुसलमानों को ब्लैक मेल कर रहा है कि चूंकि अब तुझे अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया था अब मैं फ़ायदा उठाऊँगा इसका तेरी जेब काटूँगा कैसे नर्ख बढ़ा के और वो वाली चीज़ों के ऊपर नर्ख बढ़ाऊँगा कि जो मजबूरन तुझे खाने पीने के लिए नमक जैसे जैसे सब्ज़ी तरकारी खजूर खजूर रेगु, रेगुलर वो अशियानोश जो कि आम बंदे को मजबूरन लेनी है अब ये ब्लैक मेल करने आ गए और अल्लाह इस ब्लैक मेल के बदले छोड़ेगा नहीं आपको मैं पहले बता दूँ आपने मुसलमान को अल्लाह के नाम पर ब्लैक मेल किया है आप होशियार हो जाएं आपके साथ होने के हवाला क्योंकि अल्लाह छोड़ता अच्छा नहीं लेकिन जो बड़े स्टोर्स हैं मैंने ये देखा है वहाँ पे तो बड़ी अच्छी सेल लगती है रमज़ान में इस चीज़ की कि लोगों को आसानी पहुँचाई जाए हाँ हाँ वैसे भी वही ना जो ऐसे करने वाले हैं तो फिर वैसे करने वाले भी अल्लाह ताला लेकिन बड़े बड़े स्टोर्स की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन छोटे इलाकों में छोटा इलाकों की दुकाने हाँ बड़े इलाकों में भी जो छोटे इलाका छोटा नहीं होता इंसान छोटा होता है वाह वाह तो कराची में भी आपको छोटे छोटे बोने मिलेंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते होंगे वेरी ट्रू और इस्लामाबाद में भी तो उन्होंने यही बस दर्दने मार मार के लोगों का एक एक कतरा खून का निकाल के किस जो एक बंदे ने गरीब को एक दफ़ा ही ब्लैक मेल कर लिया होना कहते तो मजबूरी है तो फिर आप देखें कि आपने किससे दुश्मनी ले लिया आपने गरीब से नहीं दुश्मन ले ली आपने अल्लाह से दुश्मनी ले लिया तो अल्लाह तो उधार नहीं रखते देखना योमुद्दीन को क्या होता है मैं कोई और कौम नहीं जानता जो अपने मजहब के नाम के ऊपर अपने ही हम मज़हब को ब्लैक मेल कर जाती हूँ मुसलमान अब इस हालात में आ गए क्रिसमस पे पूरी दुनिया याशी करती है नहीं नहीं पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम, गैर, मुस्लिम अगर... क्रिश्चियन भी भी मुसलमान याशी करते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि क्रिसमस आ गई इनकी तो इनको इन्होंने शॉपिंग करते, करते है। हैं या। आसानी करनी आसानियाँ हो गई हैं चीज़ें सस्ती होती हैं नहीं बल्कि इवन अगर हम बात कर रहे हैं तो चाहे वो कैनेडा है अमेरिका है ये जो गैर मुस्लिम ममालिक मैं दुबई सऊदिया की बात नहीं कर रहा क्या सेल होती है बिल्कुल मतलब मैं मैं अभी मैं

लोगों ने जो शॉपिंग करनी है वो कर लें ये जब लेवल के ऊपर चोरी हो तो उसको चोरी दू डाका बोलते हैं बिल्कुल तो फिर हम खुद इस्लाम के नाम पे डाका डाल रहे हैं और किस अमीर गरीब को लूटने के लिए निकल पड़ा है उल्टा हिसाब हो रहा है वरना गरीब अमीरों के घर में चोरी करते थे आ, नहीं या तो गरीब गरीब को चोरी कर रहा है <laughs> जी हाँ मैं आ रहा था उस स्टेज के ऊपर अब जब अमीर गरीब को डाका मारते हैं ना तो गरीब बेचारा क्या करता है कोने कुतरे में जब उसको मौका मिलता है वो फिर छोटा सा दुकानदार जिसकी मतलब छः बाय चार की दुकान है उसने चार अगर तोड़े रख लिए चावल के या इन आटे के वो अब छुपाएगा कि रमज़ान में मैं महंगा बेचूँगा सोचें ये ये एक एक ऐसा मामला है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रमज़ान का असर मैंने इसलिए कहा ना जो जो गंध ग्यारह महीने हम रोज़ सुबह दोपहर शाम खाते हों वो रमज़ान में ऐसे नहीं आ, असर उसका जानने वाला मैं इसलिए इतना इतना बड़ा रुकन समझता हूँ रमज़ान को इसमें बड़े बड़ा बंदा बेनकाब हो जाता है और कैसे पूरे इस में कौम के आ, कौम की सतह पर हम बेनकाब होते हैं और मुझे उन लोगों पर नहीं इतना गुस्सा आता कि जिन लोगों ने ये दो नंबरी करनी होती मुझे उस बंदे पे उस कौम पे उन लोगों पे गुस्सा ज़्यादा आता है कि जो इस बारे में जानते हुए भी कोई रिएक्शन विजिबल, विजिबली विजिबली रिएक्शन नहीं देते वरना कुर्सियों के लिए धरने चलते हैं पार्लियामेंट हाउस में इस मौके पे ना ग़रीब धरने देता है ना बाइकआउट करता है ना अमीर क्योंकि हमें इम्यूनिटी मिल चुकी हुई है हर बंदा दो नंबर रेडी वाले से लेके पार्लियामेंटेरियन अगर छुरी तेज करने वाली कौम में हो तो हम हम उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे सो so, मैं अभी बता रहा हूँ अम्मी और अबू आपके हाथ में है आपने भी अगर हम जैसे ही ट्रेन करने अपने घरों में बच्चे तो फिर आप उतने ही ज़िम्मेदार हैं खुदा का वास्ता है एक्टिविस्ट तैयार करें जो कि हाथ से आहनी हाथ तैयार करें अपने बच्चों में लड़कियों में भी लड़कों में भी कि जो देखते ही इस मामले को सरदनिश करने वाले तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती हैं ठीक है खेले वाले को मारना शुरू कर देते हैं रोजे में ठेले वाले को नहीं याद रखिएगा उन इन ये जो है ना दिस इज़ अ गवर्नमेंट लेवल फाइट दैट पीपल नीड टू तो टेक अप के रमजान शुड बी फ्री ऑफ ऑल ऑफ दैट पेन रादर देन कि मैं खाली यू नो जो रेगुलर हमारे मसाइल के हम फरियादें कर रहे होते हैं इन लोगों से कि रमज़ान के अंदर बड़ी बड़ी दुनिया यू नो ये जो पाकिस्तान है ना इसको छोड़ें बाकी दुनिया को रमज़ान में हमें वो वाला वो वाली तकलीफ़ देना बंद कर दो हम तुम्हें रमज़ान के बाद मिलेंगे रमज़ान में ना तुम हमें तकलीफ़ दो ना हम तुम्हें तकलीफ़ देते True. ये ये एक, एक जॉइंट देखे इसराइल इस्रा, ना अपने शाबत पे काम नहीं करता hmm. तो शाबत शायर डे जो है गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ है जो मर्जी कर लो गैर यहूदी चलाएगा अगर ट्वेंटी फोर आवर ग्रेड के ऊपर रोस्टर लगा हुए तो गैर यहूदी कि साहब को अल्लाह ने मना किया है हम नहीं करेंगे भाई अल्लाह ने वो किताब में कह दी हफ्ते को काम नहीं करना सोचें हम, हमारी नवी इस्लाम की उम्मत पे किस किस तरीके से आसानिया थी हमने वही मुश्किल डाल ली कि हम रमज़ान में ये वाला काम ना कर लेना जो हम कर रहे हैं और हमने बस मौका तलाश किया कि सारे के सारा जिन्हें तेल पानी दुरुस्त कर लूँगा रमज़ान में मैं जितना पूरा साल का, का कमाऊँ पूरा साल का पूरा रमज़ान के आखिरी अशरे में कमाऊँगा मैं ठीक है और वो तो, बचता है ये तो अल्लाह ताला के कुछ कवानी ऐसे हैं कि कुछ जगहों पे अल्लाह ताला फिर बचा के रख छोड़ते हैं कि तुरे दुनिया में मिल जाए तो क्योंकि आखिर में जो चीज़ चीज़ें मिलने वाली है ये ना हो कि तुररी उसमें कमी दुनिया में आ जाए कुछ लोगों को इसलिए मोहलत दुनिया में दी जा रही है कि ये ना हो वो आख़िरत में खड़ा होकर मुझे तो वहाँ पर भी सूई चुपी थी अल्लाह अयाशियाँ भी करवाता है इसीलिए दुनिया में कि तू आखरत में तुझे एक भी रत्ती बराबर भी तुझे अयाशी ना हो जाए क्योंकि दुनिया में जो भी तकलीफ़ आती है उसका बदला आखिरत में खुशी के तरह में आसानी में मिलता है सो ये ना सोचें कि आप इस तरीके से छुरी फेर रहे हैं और दुनिया में आपको तकलीफ़ नहीं आ रही तो ये काम काबिल कबूल है ये तो दोनों नंबर नफसियात हैं अल्लाह ही नहीं समझ आया आपको इस्लाम का समझ आएगा तो दुनिया में अल्लाह ताली फिर छूट देते हैं आपको क्या लगता है बिकॉज़ में मुझे याद है मैं एक प्रोग्राम देख रहा था इकरार ने किया था वो शो उसमें वो गधे का गोश्त बेचते थे साहब तो इकरार उनसे जब बात कर रहा था तो वो इस बात पे बजित था जस्टिफाइड था वो बजत था जस्टिफाइड था वो कह रहा था नहीं मैं सही कर रहा हूँ मैं हलाल काम कर रहा हूँ मैं हराम तो नहीं कर रहा गधा खाना जायज़ है और उसने बहुत सारी चीज़ें बतानी शुरू कर दी थी तो जस्ट लोगों को तो जो जाहिर सी बात है अपनी तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई जान के कोई गलत काम करता है अगर कोई रोजे में यही तो मैं कह रहा हूँ मैं मैं अम्मी और अबू क्यों कहता हूँ रोजे में अगर वो सिग्नल तोड़ता है किसी को चपेड़ मारता है किसी को दबाना उसने ये रखा हुआ है कि चूँकि रोजे में मैं नॉर्मल नहीं हूँ तो खैर है मेरे काफ़ी चीज़ें अलाउ हैं हाँ तो वो ये जो गदा बेच रहे ना उसको अलाउ किया उसने अपने आप को क्या चूँकि मेरी मजबूरी है मैं आप दूर के बात करें मैंने ख़ुद ऐसे ऐसे बुजुर्गान के इंटरव्यूज अब टीवी पे पर देखने शुरू कर दिए हैं जो कराची की मिसाल दें कि ये जो मोबाइल बंद बंदूक लेके ले आते हैं मोबाइल छीन जाते हैं तो ये भी तो बेचारे बेरोज़गार हैं असल में नहीं। नहीं। ये अगर कौम के हालात हो ना कि जब इज्तमी लेवल के ऊपर आप गुनाह को जस्टिफिकेशन के बॉक्स में डाल रहे हो तो फिर देखें अगली नस्ल क्या आती है फिर याजूज माजूज हमारे में से निकलेंगे क्योंकि वो गुनाह को तो जस्टिफाई आपने कर दिया था आपने एक किया अगले ने सोकर ने ठीक है क्यों ना करे वो क्योंकि दरवाज़ा तो आपने जानने खोला था किसी एक गुनाह को भी किसी एक कैटेगरी में भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हम वरना हमने ऐसी चाबी दे दी है बच्चों को कि जिसके बाद वो किसी भी मौके के ऊपर ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास और आप आपको, आपको पता है ये रमज़ानों में स्पेशली इन कराची ये मोबाइल छीनना पैसे छीनना चीज़ें आपकी चुराना गाड़ियों के शीशे ले जाना गाड़ियों से टेप चोरी करना ये ज़्यादा होता है हर चीज, ये हर चीज़ जोबन पे आ जाती है हाँ, जारा 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 हाँ। मैंने आपसे कहा ना ये ब्लैक मेल करते हैं इस्लाम के नाम पे मुसलमानों को ये अल्लाह से डायरेक्ट जो है ना ये दुश्मनी कर रहे हैं कि चूँकि आपने इनको मजबूर किया था अब हम फ़ायदा उठाएँगे मतलब तुमने अल्लाह की इस हुक्म की वजह से फ़ायदा उठाया तो अब देखो क्या होता है तुम्हारे साथ देखना भी मतलब चोरी ख़त्म होने की वजह ख़त्म हो जानी चाहिए थी अपनी जोबन पे आती हो तो फिर सोचें कि हमने क्या बच्चे पैदा किए और क्या पाले में ये हमारा कसूर ना ये उन तो, तो कहते हैं ना कि यार भी वो कर क्या करें इंसान जब उसके घर पे बच्चा भूखा हो तो उसको मज़हब नज़र नहीं आता उसको इस्लाम नजर नहीं आता उसको सिर्फ रोटी नज़र आती है तो उस रोटी के लिए मैं मैंने भी ये सोचा दो तीन दफ़ा मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैंने भी सोचा कि यार शायद ये लोग इस तरह करते हैं लेकिन जब मेरा अपना मोबाइल छीना और मैंने रात को देखा तो वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहा था मोबाइल मेरा देखे तो इन आई थिंक उधर के भूखों ने पकड़ा था तो मेरे ख्याल से कुछ चंद घंटे गुजरे थे ये तो दो नंबरी इनकी ये ये जो है ना इस्लाम जो जिसको समझ नहीं आया वो ये जुमला बोलेगा इस्लाम में तो खुशखबरी ही गरीब को है इस्लाम में तो सबसे ज़्यादा जो तसलसल से बुछारते हैं वो हैं मुफलिस को मेरा नबी खुद दुआएँ मतलब आप किस नबी को आप सुलेमान और दाऊद के अलावा आप बताएं कोई हर मूसा फिरौन के घर में शहजादे थे अल्लाह ने वो भी ले ली अम्बिया से ज़्यादा गरीब सोशल फाइनेंशली अल्लाह ने तो देनी नहीं, नहीं किसी को किसी नबी को ताकि ये भाना ना मिल सके किसी को कि मुफलसी से ईमान चला जाता है ये मैसलो की को छोड़ें ये दो नंबर गौरों के फलसफे हैं जब इब्राहिम ने इसमाईल साम को अकेले सहराम एक औरत के पास दे के अपनी बीवी के पास इससे ज़्यादा कोई गरीब कर सकता है किसी को कि पानी भी नहीं है सहराम में टीले में छोड़ दो उसके बाद पैसों की दुआ की जी सोचें क्या दुआ की ये मैसलो हजार की उल्टी करके बताई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि कहीं ये ना बहाना लगे कि पैसों के आएंगे तो फिर ईमान आएगा वरना नहीं आएगा नहीं ये इस तरह की बहुत सारी मिसाल हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल्हल बिल्कुल अपनी लखते जिगर अपनी साहबजादी की शादी करने के लिए हज़रत अली से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या <laughs> माशाल्लाह तो देखिये जरा ये देखिए नबी इसम ने तो एक अपने अपने बच्चों के लिए दुआ कर दी कि मेरे या अल्लाह मेरी औलाद के रिज कम कर दे हाँ। ये दुआ नबी इस्लाम आप मांग के दिखाएं मेरी औलाद के रज कम कर दे के इतना कर दे कि रूह और जिसम का ताल्लुक न टूटे बस इससे ज़्यादा ना करें ताकि एक गरीब को ये भाना ना मिल सके कि फातमा अली तो पैसे थे तो घर में पैसे होते हैं या रोटी होती है तो फिर अल्लाह का नाम आसानी से आ जाता है जहन में आप ना। एक दिन गुजार के दिखाएं अली ब नबी तलब का एक भी दिन या किसी एक सेकेंड के लिए किताब खोलें आपको यकीन नहीं आएगा फातिमा किस लाइफ स्टाइल से गुजर के जन्नत की सरदार बनी है ऐसे नहीं बन जाते आप जन्नत की सरदार तो ये बहाने हैं सारे ये बहाने हैं कि वो मफलसी आएगी तो ये हो जाएगा अच्छा नहीं पर दूसरी दूसरा एक ना एज फैक्टर भी आता है बीच में लोग समझते हैं कि शायद बहुत बड़ी एज में जाके हमारे जो अम्बिया ग्राम हैं उन्होंने इस्लाम को जो है बात किया इस्लाम को ज्वाइन किया ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यह प्यारी बात है चाहे आप हजरत दाऊद की बात करते हैं आप हज़रत इब्राहीम की बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं आप किसी की भी भी बात कर लें अपार्ट फ्राम हजरत अलैहिस्सलाम आप बाकी जितनों की भी बात करते हैं वो सारे अपनी भरपूर यूथ में जी जी, जी, बिल्कुल नू इस्लाम भी इस्लाम भी जाहिर है हमें चूँकि उनकी पता है उम्र कितनी है खैर एग्जैक्ट हमें नहीं पता साढ़े नौ सौ साल की तो तबलीग पता है तबलीग पता है मगर नबी चालीसवें साल में दुनिया के ऊपर मिनिमम चालीसवें साल में इसका मतलब है कि बट उन्होंने या 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 नहीं चालीसवें साल हमें पता है कि हमने नबियों को हमारे बुजुर्गान ने हमारे साथ क्या किया है हमारी जेन में जो इमेज़री की है ना अम्बिया की वो बुज़ुर्गान की की है हालांकि अम्बिया यूथ मतलब उनका जो जाहरी अपीरेंस है वो किसी भी मौके पे लड़कपन से ऊपर की नहीं है गौर समझें इस बात को कि जब हम अबू सुफियान बिन ख़लफ़ या अबू जहल या किसी भी मौके पर उस वक्त के सरदार ये तीन सरदार अलग अलग क्रैश hmm. के कुरैश के जो तीनों विंग्स थे ना उसके सरदार हैं अबू सुफियान अबू मैया बिन खलफ और अबू जहल ये तीन और इस तरफ अबू तालिब ठीक है बनो हाशिम के तो बनो हाशिम के अबू तालिब इज़ टीयर्स यंगर टवेल्व यर्यर्स यंगर दैन अबू सुफियान और सम तो ये मतलब ये सोच लें कि अब्दुलमतलब से थोड़े से छोटे हैं अबू सुफियान और अब तालिब से काफ़ी बड़े हैं। तो रसूल इस्लाम की एज तो बिल्कुल ही मतलब वो कहते भी ये थे कि तुम्हारे तो हाथों का भला बच्चा है हम इसको हमें बताएगा हमारे बाप दादा सारे ये सब बाबे थे और नबी इस्लाम वॉज अ बॉय मैन ही चैलेंज डेम तो ये तो नफ्सियात बदलनी ज़रूरी हैं के बुजुर्गान जो है ना वो आप जा जाकर समझ आता है तो फलसफा समझ आता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। आप सहाबा की लिस्ट में आपको बताऊं जब नबी इस्लाम ने जब उमर खत्ताब ने जब ये कलमा हक बुलंद किए कावे में खड़े होके कि मैं जा रहा हूँ मदीना उस वक्त उनकी एज क्या थी अर्ली ट्वेंटीज़ अर्ली ट्वेंटीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड यस मतलब ये इमेजिनेबल है कि आप अली बिन अबी तालिब तो और भी छोटे हैं आप सोचें कि चार पाँच साल और नीचे ले आए अली बिन नबी तक फो फाइव एंड हाफ ईयर्स टू बी एग्जैक्ट तो ये इतना कोई यू नो डिसबैलेंस किस्म का व्यू दिया गया है हमें कि जब तक हम जैसे हम अंबिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं बड़ा टाइम है अभी ये, तो हम भी ये, ये ये बात करने का रीज़न ये था कि लोग ये कहते हैं कि यार वो जवान है अभी उम्र छोटी है, है भटक गए जोश है अभी उस पर अभी जोश में है अभी जोश में है तो ये ये लोग ये ये वाली बात ना हमने मैंने इसलिए छेड़ी क्योंकि आ, ये जो रमज़ान है या जो रोज़े हैं जो उनका असरात मेरे ख़्याल से ईद की नमाज़ के बाद शायद फ़ौर ही ख़त्म हो जाता और उस वहीं से जो सिलसिला फिर शुरू होता है तो वो चल कई दफ़ा कई जगह तो चांद रात को ही ख़त्म हो जाता है चांद रात को सब जगह पे ही हम ख़त्म कर रहे हैं जिस तरीके से चांद रात हम मना रहे हैं हम डिटर्मिन करके ये देखो अब इबलीस खुला है और मैं आपको बता रहा हूँ ये तो तजर्बे से हम पाकिस्तानी हम सबको पता है कि इबलीस के खुलने के बाद गुनाह में ज़रा सी शिद्दत में कमी आ जाती है विल कंटिन्यू इन शल फिर आप लोगों से मुलाकात होती है जब मैं जाने लगता हूँ कोई एक नई बात करके ना ये छेड़ देते हैं और टॉपिक जो है ना वो बातों बातों में से निकल आता है कल मिलते हैं अपना ख्याल रखिएगा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. <سؤال> <سؤال> ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بها سبحان सदंक सदंक Allah 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 सदक अल्लाज़ीम चौबीस सुर नूर आयत नंबर सोलह सत्रह अठारह अल्लाह त आयत में फ़रमाते हैं और जब तुमने उससे सुना तो क्यों ना कह ये हमारे लायक नहीं कि हम जुबा पर लाएँ या अल्ला तो पाक है ये बहतान अजीम है अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि अगर तुम मोमिन हो तो फिर कभी ऐसी हरकत ना करना और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात बयान करता है और ख़ूब जानने वाला ख़ूब हिकमत वाला है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आज का प्रोग्राम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू हो चुका है और हमारी ये शहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन आपके साथ रहती है अजान फजर तक और हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ मौजू आपके सामने लेकर आते रहें उनके हवाले से बात करते रहें लेकिन जहाँ पर हमारी शहरी की ये ट्रांसमिशन होती है वहीं पर हमारी ये भी कोशिश होती है कि जो अम्बिया के बोल हैं वो भी आप लोगों तक पहुँचाते रहें तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब अम्बिया के बोल के साथ हाज़िर हैं आइए चल के वो सुनते हैं बसमिल्ल वसलात वाम रसोल्ला मोदर नाजरनसाम अम्बिया के बोल आज ये इस खूबसूरत सिलसिले में हमारा मौजू है क़स्स हज़रत सैदुना यूसफ़ल हज़रत सै दुना यूसफ़ल हज़रत याकूबलम के बेटे हैं और जैसे गुज्त हमारी नशस्त में ये बयान हुआ कि हज़रत याकूबल के बारह बेटे थे और ये बारह उनके बेटे हज़रत यूसफ़ के ग्यारह भाई थे और इन्हीं बारह बेटों से हज़रत याकूब सलाम की औलाद का सिलसिला चला जिन्हें बनी इसराइल कहते हैं और इन्हीं बनी इसराइल के बारह कबाइल जिनके ज़रिए से आगे पूरी दुनिया में उनकी औलाद का सिलसिला चला हज़रत यूसफ़ल का किस्सा शुरू करने से कबल थोड़ा सा ये अर्ज़ करता चलूँ कि हज़रत याकूब भी नबी हैं हज़रत सैदना यूसफ़ल को भी अल्लाह ताला ने नब्त के नूर से सरफराज किया हुआ था हज़रत यूसुफ़ यूसफ़ल हसन व जमाल के पैकर थे आप इंतहाई दर्ज़े के हसीन भी थे माजुबीन भी थे आप गुफ्तु करते तो आपके लबहाय मुबारक से यूँ महसूस होता कि जैसे नूर निकल रहा होज़रत यूसफ़ल के वालद ग्रामी हज़रत याकूब आलामाम बाकी बेटों के मुकाबले में हजरत सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और आपके साथ हज़रत याकूब सलाम की ये मोहब्बत देख कर आपके जो बाकी ग्यारह भाई थे वो इस हवाले से परेशान रहते थे कि हमारे वालद गिरामी हमसे ज़्यादा मोहब्बत क्यों नहीं करते और यूसफ़ल से ये ज़्यादा मोहब्बत क्यों फरमा रहे हैं। इसी वजह से हजरत यूसफ्लम की बाबत उनके दिल में हसत पैदा हो गया हजरत यूसुफ अपनी आदत में और यह बात याद रखिए कुरान फरमाते अल्लाह फरमाता है अल्लाह चुनकर इस नबुवत और रिसालत के नूर को बेहतरीन ज़र्फ में रखता है तो जाहिर है नबी बचपन से खास आदात का मालिक होता है खास शक्लो सूरत का मालिक होता है खास गुफ्तार किरदार का मालिक होता है इस वजह से प्यारी यादात थी हजरत यूसुफ की जिसकी वजह से हजरत याकूब उनसे मोहब्बत करते थे अब यहां पर यह एतराज़ नहीं किया जा सकता कि एक नबी के बारह बेटे हैं तो उनको अपने बेटों के दरम्यान मोहब्बत करने में अतदाल से काम लेना चाहिए इंसाफ से काम लेना चाहिए यह एक बेटे से ज्यादा मोहब्बत क्यों है उसका पहला जवाब तो यह है कि यहां बाकी भी बैठे हैं और यह बेटा नबी है और नबी के साथ मोहब्बत एक दीनी मोहब्बत भी है और यह किसी किस्म का कोई ऐप नहीं है दूसरी बात यह कि यह दिल का मामला है और यह बंदे के अपने इख्तियार में यह चीज़ नहीं होती है और जो चीज़ इख्तियार में ना हो उस पर सवाल भी नहीं होता है नबी पाक सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम अपनी सारी औलाद में से सबसे ज़्यादा अपने जिगर के टुकड़े अपनी छोटी शहज़ादी हजरत सैदा तयबा खातून जन्त सैद फातमत जहरा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे अब यहाँ क्या सवाल उठाया जा सकता है कि भाई एक बेटी से ज़्यादा प्यार क्यों है और बाकी औलाद से उतना प्यार क्यों नहीं और नबी आसम की सारी अजवाज मतारात इंतहाई अजमत और शान वाली कामिल ईमान वाली कामिल अखलाक वाली बड़े बड़े कमालत का मम्बा और मरक् थी तो हुजूर को सब बीवियों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत जैसे कि हादी से मुबारक में है हज़रत सद आयशतुलसदीक़ा आफीफा तय्यबा सलाम उल्ल आती थी अब यहां यह सवाल नहीं उठाया जा सकता कि भाई इंसाफ का तकाजा तो यह है कि सबसे बराबर प्यार हो कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस बात का बारगाह बारगा इज्जत में दुआया कलिमात अदा करते हुए अर्ज की ए अल्लाह जहां तक बाकी मामलात का ताल्लुक है वह तो मैं इंसाफ करता हूं लेकिन यह दिल की जो बात है आयशा की तरफ मेरे कल्ब का मैलान ज्यादा है और ये तू ही बेहतर जानता है ये मेरे इख्तियार में नहीं मोज़ज़ नाजीनसाम इसी तरह हजरत सईदना याकूब अलम को हजरत सईदना बाकी भाई हजरत में मुबतला हो गए और एक दिन उन्होंने आपस में ये रोज़ा नहीं बात करते होंगे कि यार किस तरह से अपने वालद गिरामी की तोज्जो यूसुफ से हटाकर अपनी तरफ की जाए चुनाचे इन सारों ने बैठकर आपस में मशवरा किया और ये जो बाकी बेटे बैठे इनमें से जो सारे सबसे छोटे हज़रत बिन यामीन ये नहीं थे ये जो बाकी आ, दस बेटे थे ये इन्होंने आपस में मशवरा किया कि चलो ऐसा करते हैं कि सलाम को या तो कत्ल कर देते हैं या फिर इनको कहीं दूर जाकर किसी वीराने में फेंक के आते हैं ताकि ये रहेंगे नहीं तो जब ये नहीं होंगे तो हमारे वालद ग्रामी ऑटोमेटिकली उनकी तवज्जो हमारी तरफ होगी और वो मोहब्बत हमसे करने लग जाएंगे। ये मशवरा इस कोमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने कहा कि अब कैसे हज़रत सलाम को हज़रत याकूब से दूर किया जाए और यहाँ से हटाया जाए क्योंकि हर वक्त हज़रत सलाम हज़रत याकूब सलाम की मईत में होते एक अल्लाह के कामिल वली हैं एक बुज़ुर्ग हैं उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त नुकता लिखा वो फरमाते हैं कि हज़रत याकूब आसम हज़रत यूसफ सलाम को देखे बगैर रह नहीं सकते थे अब यहाँ पर ख्याल होता है कि क्या इतनी ज़्यादा मोहब्बत नबी को औलाद से करनी चाहिए तो उसका जवाब उन्होंने दिया फरमाया असल वजह यह थी कि हज़रत यूसफ्लाम के चेहरे से अनवार्ला के जलवे उनको नजर आते थे और अल्लाह का पैगंबर हज़रत याकूब उन जलवों की वजह से हज़रत यूसफ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे चुनाचे ये भाई आपस में मशवरा कर करके बारगाहे याकूब अलैहिस्सलाम में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे बाबा जान आपने यूसफ को अपने पास रखा है ज़रा सिर्फ बाहर भी तो निकलने दीजिए हमारे साथ ये जाए हम बकरियाँ चराने जाते हैं जंगल में जाएँ वहाँ फल में खाएगा घूमेगा फिरेगा थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा और इसकी तबीयत भी बहाल हो जाएगी हज़रत याकूब ने फ़रमाया मेरे बेटों में इसको आपके साथ रवाना नहीं करूँगा क्योंकि कहीं मुझे डर लगता है कि इसको भेड़िया ना खा जाए तो बेटे कहने लगे हम हट्टे कट्टे इतने घबरू जवान हैं धस हमारे होते हुए भेड़िए कि क्या मजाल और हिम्मत कि वह हमारे भाई यूसुफ़ को खा सके चुनाचे इन्होंने हीले बहाने करके मन समाजत करके हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम को हज़रत याकूब अलैहि सलाम से आ, हटाया और अपने साथ ले जाने पर हज़रत याकूब को राज़ी किया और उन्हें तैयार करने लगे हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम जब तैयार हो गए तो जाते हुए वालद ग्रामी के सामने इन्होंने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को बड़ी इज्जत दी अपने कंधों पर उठाया और कंधों पर उठाकर हंसी खुशी उछलते इनको उछालते कूदते तशरीफ़ ले गए लेकिन जब हज़रत याकूब आसमाम की आंखों से उजल हुए और जंगल में पहुंचे, तो उठाकर हज़रत यूसफ़्लम को नीचे फेंका और हज़रत यूसफ्लम को जद वकोब शुरू किया आप हैरान हैं कि ये मेरे भाइयों का अचानक से ये रवैया कैसे बदल गया अल्लाह अकबर याद रखिए जहाँ हसद आ जाए भुगज आ जाए तो वहाँ खून खून का दुश्मन भी हो जाता है ऐसा भी हमने देखा है हज़रत सईदना सलाम के एक भाई ने उनको पकड़ा और वो इस कोशिश में था कि इनका गला दबा कर इनको अलग कर दिया जाए शहीद कर दिया जाए लेकिन बड़े बेटे हज़रत याकूब के बड़े बेटे और इनके जो बड़े भाई थे हज़रत सलाम के बड़े भाई यहूदा उन्होंने कहा कि नहीं कत्ल नहीं करना है बल्कि ऐसा करते हैं कि इनको एक वीराने कुएं में डाल देते हैं कोई आएगा आ, मुसाफिर तो इनको वहाँ से निकाल के ले जाएगा और हमारा असल मकसद तो ये है कि ये हमारे वालद ग्रामी की निगाहों से ओझल हो जाएँ अगर हमने कत्ल किया तो इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब नहीं दे पाएंगे चुनाचे उन्हें मालूम था वहाँ बकरियाँ चराने आया जाया करते थे जंगल में गए और एक पुराने वीराने कुएँ के अंदर हज़रत सैदुना यूसुफ़ल को इन्होंने फेंक दिया अब वापस जब आने लगे तो इन्होंने एक हिरन को पकड़ा उसको बा किया बाद रवायात में आता है कि बकरी को बाह किया और उसको ब करके कमीज़ के ऊपर हज़रत यूसफ्लम की कमीज़ के ऊपर उसका खून मला और रोते हुए चीखें मारते हुए शाम के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत अर में हाज़िर हो गए उन्होंने फ़रमायासफ़ के दर अर्ज़ की बाबा जान यूसफ़ को तो भेड़ियों ने खा लिया है भेड़िया आया उसने हम कहीं खेलने गए थे घूमने फिरने ये बकरियों के पास थे तो भेड़िए ने आकर अचानक हमला किया और यूसुफ यूसुफ़ल को वो खा गया और ये उसकी कमीज़ पे लगा हुआ ख़ून आप देख लीजिए हज़रत याकूब याकूबलम ने जब उस कमीज़ का मुआयना फरमाया तो क्या देखते हैं कि उस कमीज़ के ऊपर खून तो लगा है लेकिन वो कहीं से फटी नहीं है हज़रत याकूब ने फरमाया मेरे बेटो ये तुम्हारा हीला है ये तुम्हारी एक साजिश और चाल है कैसा अजीब भेड़िया था कि जिसने मेरे बेटे को खा लिया और उसने इतने हिल्म से उस पर हमला किया कि उसकी कमीज़ और कपड़े तक उसने सलामत रहने दिए और ना फाड़ा उन कपड़ों को ना फाड़ा कहने लगे बाबा जान हम कसम खाते हैं कि हमारे भाई को भेड़ियों ने खाया ये सुनते ही हज़रत याकूब सलाम पर गशी तारी हो गई और आप बेहोश हो गए जब आप होश में आए तो हज़रत यूसुफ़ल की जुदाई में आप रो रहे हैं और ये अल्लाह के पैगम्बर हज़रत याकूब आसमाम का इम्तहान है हमारा वक्त मुकम्मल हो गया कल इनशा इससे आगे हम इस किस्से को लेकर चलेंगे अल्लाम वरहमत ला तबरकू जी अल्लाम एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं अम्बिया के बोल आपने सुना सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे सत्रवा रोज़ा जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है और उसकी शहरी के लिए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं सतरवें रोज़े की जब भी बात होती है तो आज का दिन आज की शहरी अफ्तार आ, हम ज़ाहिर सी बात है हम नाम करेंगे छोटा सा आज फिर एक नजराना अकीदत पेश करेंगे एक अजीम हस्ती के नाम आ, एक ऐसी हस्ती का योम विसाल है आपके आ, जो वालिद हैं वो भी सहाबी आपकी वालदा भी सहाबिया आ, उनके भाई भी सहाबी उनकी बहनें भी सहाबिया जी हाँ हज़रत बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा अने नव्व के चौथे साल पैदा हुई आप नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसलम की जोजा हैं और तमाम मोमिनों की माँ हैं आपकी बहुत सारी खसूसियात हैं उनकी बरकत के बारे में कुछ जानेंगे उनके बारे में बहुत कुछ पूछेंगे बहुत सारे सवाल आपके पास हैं मुश्तक भी आ रहे हैं वो सारे तमाम सवाल अपने कराम से भी करेंगे लेकिन आगाज़ आप जानते हैं नातिया रसूल मकबूल से होता है और हम चाहते हैं कि रिजवान साहब के साथ आज सब साहब आपसे शुरू करेंगे बिसमिल्ल रखमानी रही सुबह अल्लाह अल्लाह सबिर साहब साथ, माशा क्या ख़ूबसूरत अंदाज और बहुत ही ख़ूबसूरती से मंसूर साहब की अभी आपने यह नात रसूल मकबूल सुनी हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका प्रोफेसर साहब आज बिसम्ला आपसे करते हैं आ, हम कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा थोड़ा नज़ाना अक़दत जो है वो पेश करते रहें तो आज बिसम्ला आप कीजिए बसमान रह बिस्मिल हम दो मसकिन लोग प्यार बहुत है ना आप लोगों से प्रोफेसर साहब ना आज मुझे अपने अपने लग रहे हैं आपको सबसे ज्यादा देते हैं दे भाई की खास ना पूछे है मुझे क्यों अपने अपने लग रहे हैं प्रोफेसर साहब खुद बताएंगे खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह शुक्रिया प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत जबरदस्त लग रहे हैं और और जज भी रहा है तोहफा आज, आज मिल गया है फैसल भाई मुझे भी तोहफा मिल गया है माशा और वो भी मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की तरफ से क्या बात है मुफ्ती साहब तो खैर बड़े आदमी है बड़े तोहफे देते हैं मुझे भी देते रहते हैं आप कुछ सवाल पूछ रहे थे प्रोफेसर साहब प्रोफेसर साहब से सवाल पूछते या बिस्मिल्ला करते हैं आज के दिन के हवाले से क्योंकि आज वैसे वैसी अफ्तारी से फिर वो हम गजा भदर की तरफ शामिल हो जाएंगे तो तो आ, वैसे तो बीसवें रोजे तक ये सिलसिला जारी रहा लेकिन हम आज अफतारी पे करें या फिर नहीं अफतारी पे करेंगे फिर आगे योम अली और हाँ फिर सही है एतकाफ़ और बहुत सारी चीज़ें ठीक है जी, जी।, जी। हजरत बिस्मिल बसम रसोल वाला आज जिस हस्ती का जिक्र हो रहा है वो मिल्म आयशा रज्ला त जिसे मसरुक जब जिक्र करते कहते कहतेदीका बिन तो तसदीक जी अराबा ये, ये हस्ती की अजीम ये कायनात की अजीम हस्ती है इनसे बढ़कर कोई पाक नहीं है पाकिस्तान ने जिनकी पाकिजी की गुआई कुरान ने थी अल्लाह ने थी ये खानदान अजीम खानदान है हजत एशार्ला तरमाती जब मैंने अपनी आँखें खोली मैं अपने अपने माँ बाप को मुसलमान पाया मेरे माँ बाप अल्लाह रसुल के मुहब थे और ये अजीम हमत है कि आपके अजवाजम आप वाद हैं जो कि बिक्र थी कवाड़ी थी और नौ उम्र थी ये इस्लाम की कितनी बड़ी हमत अल्लाह की इस्लाम के लिए कि दिन भी आपके आजवाश थे बड़ी उम्र की थी लेकिन ये नौमर थी ताकि दीन की हिफाजत हो सके सुबह अल्लाह। और सिहाबा फरमाते हैं जब भी हम पर कभी कोई मुश्किल आती दीनी मुश्किल मसला मुश्किल होता हम उम्र पहुँच जाते हैं वह पास विले इसका हमारी मुश्किल हल करते हज़रत आयशा रजी अल्लाह तारी अस भी पहुँची है बिल्कुल उम्मत उम्मत तो उसके बारे में भी मैं मेरा ख्याल दो हज़ार के करीब अदीस उनके ज़रिए पहुँची उम्मत तक अच्छा जी जी तो ये हज़रत अमिन जो थी बड़ी जहन थी बड़ी ज़ीरक थी कुरान की हाफिज थी कुरान अच्छी तरह आप जानती थी और क़ुरान की फ़क़ीह थी माशा वो मसाइल जो आम आम सहाबा को समझ नहीं आते आपको समझाते थे तो हज़रत आपकी शादी से पहले अल्लाह ने रसूल अक्रम को एक रेशम के कपड़े में आपको दिखाया गया ये कि आपकी बीवी है और ये फरमाया गया इन्ना जाओजा तो के फिर दुनिया वाला आखिर यह आपकी दुनिया में भी बीवी है आखिर में तो आपकी यही बीवी होगी जो है कि आपको जन्नत की बशारत इस वत देगी आपको इसी एक दवा हज़रत अम्बार बन यासर रजील्ल्ला तक क्योंकि आ, मारयासर ताल हजरत अली के मस, थे उनके साथ थे तो किसी ने उनके सामने हजरत आयशा ऐशा का गुस्ताखी जिक्र किया जिक्र हज़र गुस्से गए यानी उसको मकबू हन ममबू खामोश हो जाए, जलील और रसोआ इंसान इन्ना हबीबा तो रसूल अल्लाह के रसूल की बबीबा हैं के रसूल को बेहद प्यार था ना। सुबान ना। और इन्हा जोजद दुनिया वाला आखरत दुनिया और आखिर में आपकी बीवी है ये सुबह जन्नत में आपकी बीवी है हजर अहशी तसूल अकरस बेहद प्यार करती थी आपके प्यार का यह आलम है फरमाया हज रसूल को रैद करते हैं हजत एहशर रजील्ला तह ली जब से रसूल अक्रस दुनिया से गए हैं इंतकाल हुआ मैंने कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया और हर मेरे अंदर सर्दी रहती है मैं जब चाहूँ आंसू हज़रत यहीं पर रुकते हैं ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आ रहे हैं देखते रहिए आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं रमज़ान में बोल स्पॉन्सर्ड बाय रू अफजा और शहरी की ये ख़ास ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है आज खास फिर एक और ख़ास दिन है और इसी हवाले से आज यहाँ गुफ्तगु चल रही थी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे मैंने आपको डिस्टर्ब किया बात कर रहा था कि ये ऐसा ताल्लुक है जो कि दुनिया और आखिर का ताल्लुक है जी जी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नबी करीम अलैहि वसल्लम घर में थे और आपना जूता मुबारक सही फरमा रहे थे क्योंकि अल्लाह के रसूल जब घर में होते थे कालाफी मेहनत मेहनत आली घर वालों का हाथ बटाया करते थे आप तो जब रसूल कर अपना जूता मुबारक नाले मुबारक दुरुस्त फरमा रहे थे तो आपके पसीने पर आपके पेशाने पर पसीना आया पसीने का और यवल्ल नूरन पसीने से ऐसे नूर निकल रहा है क्योंकि रसूल अकमल का रुख जेबा जो था ऐसी उसकी चमक थी कोई टिक टिकी टिक लगा कर आप चेहरे को देख नहीं सकता था हजर अभी हरान रजा तरमाते तो हैं रसूल अकबर वसलम का चेहरा ऐसे थे का न नशमस ताल जब आप आते जैसे सूरज तलू हो रहा अल्लाह और हजरत फराश किसी ने पूछा सफ़ी रसूल अल्लाह आप बेटे कामा अल्लाह के रसूल बताइए कैसे थे फरमाया बेटा अल्लाह के रसूल ऐसे थे उलावजही तला तला शमसा तजरफ वजन तय अगर आप अल्लाह के रसूल को चेहरे को देखते ऐसे मसूसा जैसे सूरज आसमां में नहीं चेहरे में घूम रहा रुख जैबा में घूम रहा तो अल्लाह के रसुलसम का बेमसालसन था तो यूर उसे एक नूर निकल रहा है तो हजरत ऐशा बोहिता हज़ीवा आप ऐसे सुस्तर हो गए देख रहे हैं सुस्तर होकर तो हजरत नबी के सैशा तुम क्या हुआ तुम क्या यारसोल्ला इन, इन अन्न का अरक् था व यह जो बिन नूर आपका आपसे बह रहा पसीना आया और आप ऐसे लगे जैसे नूर की किरणें फूट रही वाँ वाँ वाँ। तो रसूल कहे फरवाने लगी अगर अब वो कबीर हज़ली होता वो वो आप उसके वो शेर आप पर मुंतबिक होते थे ने? वो क्या थे मुबर्रम मिन गब्बर हैदत व दाए व फसाद हीदी ली वजा नजर तला सरत अगर अ तो करे तो कल आर दिल मुतहल ली जब आप उनके चेहरे को देखे ऐसे जो आसमां पर यानी बिजली चमक रही है <concerneden> तो रसुलग तो उठे आपके परेशानी का बोसा लिया फरमान लिया आंती अननी मसरू मिन आंती मिनी का सरू जैसे मैं तो ऐशा खुश हूँ तू भी मुझसे हजरत अशर तजीम हस्ती है जिसकी वजह से हमें तजमु मिला सुबह अबुआ के मकाम पर बात लंबी ना हो जाए भाई हद्दी बयान कर दूसरे ओलमा कराम भी हारे कपड़े जज्बात केसार फरमाएंगे तो अल्लास अब वा, अब वा के मकाम पर जब आप रुके तो आपका हार गुम हो गया हजत ऐश आप सफर में साथ थी तो नबी ये तो तलाश में लग गए ऐशा का हार कहाँ गिर गया तो ऐसे तलाश करते करते नमाज का वक्त हो गया पानी नहीं है हज़रत अबू सदी के पास गए लोग ऐशा ने तो रोक दिया हमको पानी नहीं क्या करेंगे आप उनको आप समझाएं तो अबू बकरीक रजल्ला तलाए आप बेटी थी उनकी उनसे के ये क्या किया तुमने तो आप खामोश नहीं तो आसमान से तजम्ब के आयात नाशिल होगी पानी नहीं तजम्ब कर लो फत जम्मू शहीदन तय्यबा तो ये, ये भी आपकी बरक़ात में इस बरक़त है अल्लाह ताली ने आपकी वजह से हमें तजम्ब किया सुबह और दूसरी आपकी आजमत यह अल्लाह रसूल से मोहब्बत का यालम है जब आया तो तखही नाजुल हुई जिसमें आपको इख्तियार दिया गया अल्लाह के रसूल से शिवलाए कह गया आयशा देखो जल्दी नहीं करना मैं एक बात कर रहा हूँ अल्लाह ने इख्तियार दिया मेरे पास रहना चाहते हो तलाक लेकर जाना चाहते हो या रसुल्ला ये क्या कह रहे हैं आप आपने माँ बाप से मशा अल्लाह के रसूल आपके बारे में अल्लाह माँ बाप से मशा करूँ इन अख्तर रसूल और मैं अल्लाह रसूल को इख्तियार इख्तियार्ला तो ये क्या है जिनका जिक्र कितना भी किया जाए काम बिल्कुल बिल्कुल और, और ये होता यही है कि जब अच्छा हम नॉर्मली जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं सवाल जवाब होते हैं तो ग्राम जो हैं वो जल्दी रैपअप कर लेते हैं अपनी बात को लेकिन जब ये मोहब्बत अकीदत और इश्क की बात आती है तो फिर हर एक की ये कोशिश होती है कि मैं सबकत ले जाऊँ तो ये ये सब अपना अपना जो है ना वो भरपूर हिस्सा तो डाल लेंगे तो 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 बिल्कुल लेकिन तो पता है मैं समाओ मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैनेज हो जाए अब आपने वो हम पंजाबी में कहते हैं ना जेड़ा बोले वही कुंडी खोले तो मैं ऊँढ़ तोपा दे रुख ताड़े कर लेने क्योंकि अवतार में फिर आपसे बात नहीं हो पाई थी अ क्योंकि आपको आखिर में मौक़ा मिला तो मैं इस तरह से कोशिश करता हूँ कि जिन जिन से जहाँ जहाँ अब उमर साहब देखें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह के हवाले से बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत सारे वाक़ हैं आ, लेकिन कुछ ना बीच में सवाल भी आते रहते हैं जी जी। और आप अजवाज मुतारात की अगर बात करते हैं तो उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जब हुज़ूर पाक जब बिल्कुल विसाल के करीब थे तो आपने ये स्पेशली फरमाइश ने की थी कि मैं हजरत आयशा के पास जाना चाहता हूँ जिससे ये साबित होती है बात कि आप बेतहा मोहब्बत करते थे हज़रत से तो इस हवाले से कि क्या ये सच है कि वो तमाम जो अजवाज मतारात थी उनमें सबसे ज्यादा आपके सवाल का जवाब इन आ जाएगा बिस्मिल आज हम जिस हस्ती को खराज अक़ीदत पेश करने बल्कि खराज अक़ीदत के नाम पर अपना कद काठ बढ़ाने के नाम पर यहाँ जमा है वाह 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 वा, वा, वा। ये वो हस्ती हैं कि जो मजमु कमालत नहीं मम्बई कमाल सुबह जब भी कभी माँ का तस्वर किया जाए और किसी उमीन का जिक्र किया जाए या हजूर की आलो अब का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले अपनी माँ का तसवर लेकर शुरू किया जाए कि मैं अपनी माँ का अपने दिल में क्या मकाम रखता हो और फिर ये हमारी वो माँ है जिसे दुनिया कहती है मेरे वालद ने कहा ये तुम्हारी माँ है मेरी बहन ने कहा ये हमारी माँ है मेरे बड़ों ने कहा रिश्तेदारों ने कहा ये तुम्हारी माँ है लेकिन जिस माँ का जिक्र हम करने बैठे हैं ये वो माँ है जिसे रसूल्ला कहते हैं ये तुम्हारी माँ है अभी सभीा कराम अपने अपने अंदाज़ में बताएँगे कि हज़रत आयशा कौन है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो हस्ती कि नबी करीम आलित को निकाह से पहले रेशम के एक कपड़े में आ ला कर आपको तस्वीर दिखाई गई उसे आयशा से द्दीक़ा रजील् तलाम कहते हैं वो हस्ती जो कहती हैं कि मैंने आँख खोली तो हर तरफ मेरे घर में इस्लाम था वालद मुसलमान थे बहन भाई मुसलमान थे उसे आयशा से द्दीक रजी अल्ला तलाम कहते हैं वह हस्ती जिसके बारे में आकएलम सल्ला वसम ये फ़रमाएँ के लोगों अगर तुमने मुझसे दीन लेना है तो आधा दीन मेरे सहाबा से ले लो और आधा दीन अकेली मेरी आयशा से ले लो मेरी जवजा से ले लो उसे आयशा से देकर रजियाल्ला कहते हैं सुभान और है। हुजूर नबी करीम आलतम के तमाम सहाबा आलम हैं नबी करीम सलामाम के सहबा में सौ सहा मुफ्तियाकराम हैं नब़ी करीम आलतम के सहबा में छः या सात सहाबा मुतहिद हैं उन सबसे बड़ी जो मुशतद हैं उसे आयशा सदी रजी अल्लाह कहते हैं नबी करीम सलामाम जिसे प्यार से हुमेर कहें उसे आयशा सदीक़ा रजी अल्ला तैन कहते हैं जो दो हज़ार दो सौ दस से जायद अहदीस मरवी करके उम्मत तक पहुंचाएं उन्हें आयशा सद्दीक़ा कहते हैं जिनके पास सहाबा इक्राम में जनाब सक फ़ारूक़ आज़म रजी अल्लाह जैसी हस्तियाँ जाकर बैठें उनसे इल्म हासिल करें मसाइल दरियाफ्त करें उसे आयशा सिद्दीका कहते हैं जो सिद्दीक की बेटी हैं उसे आयशा सिद्दीका कहते हैं जो महबूबा महबूब खुदा बनी उसे आयशा सिद्दीका कहते आगा हैं मबी ये करीम आलमसलातलम अपनी तमाम अजवाज़ से कहते हैं देखो मैं हुकूक की बराबरी में हकूक़ तुम्हारे अदा करता हूँ लेकिन मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है ए मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है कुदरती तौर पर मेरी रगबत आयशा सिद्दीका की तरफ है तो इस पर मेरी जो है मफाहमत ना फरमाइए मुझे पकड़ मेरी जो है इस पर मुझे माफ़ कीजिए मेरी रगबत हज़रत आयशा की तरफ है यही वजह बनी कि आखिर दो आलम अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो आपको तो पता था कि मैंने आज किसके घर में रहना है लेकिन आप बार बार पूछते हैं आज किसकी बारी है फिर पूछा आज किस बारी है फिर पूछा आज किस बारी है तो तमाम अजवाज मतहरा ने कहा यारसोल्ला हम आपकी मुराद समझ गए हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं आप आयशा सदीक़ा रजी अल्लाह तैन की तरफ़ चले जाइए नबी ये करीम सलातम की आपसे ऐसी मोहब्बत थी और एक मरतबा लकड़ियाँ फेंकते हुए एक लकड़ी हजरत आयशा सदीक़ा के पाँव पर लगी और पाँव से खून निकल गया तो हज़रत आयशा मोहब्बत में फरमाने लगीं यारसोल्ल्ला मैं तो बदला लूँगी फरमाया मेरा पाँव हाजिर है तुम बदला ले लो जल्दी से करीब तशरीफ़ लाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को चूमा और चूम कर फरमाने लगीं ये मेरा बदला हो गया जो इस किस्म का इजहार मोहब्बत फरमाएं वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हैं और इसी तरह रात की तारीकी में सख्त सर्दी है आलम अपने बिस्तर से उठते हैं और उठ के जूता नालेने मुस्तफ़ा पहने बगैर बाहर, बाहर निकलते हैं हज़रत आयशा देख लेती हैं और बाद में वो नालेन उठाकर आपके पीछे पीछे आती हैं कहती हैं यारसल्ला आप नालेन पहन लीजिए आप नंगे पाँव बाहर क्यों आ गए फरमाया आयशा मैं इसलिए नंगे पैर बाहर आ गया कि कहीं तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए तुम्हारी जिस नबी को नींद खराब होने का इतना ख़तरा हो कि मेरी आयशा की नींद खराब ना हो जाए नींद खराब होने की तकलीफ़ जो नबी बर्दाश्त ना करे वो नबी उस आयशा की तोहन कहा बर्दाश्त करेंगे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रसी अल्लाह उस हस्ती का नाम है कि जिनके जिनसे बुग्द रखने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान करीम में इशारा फ़रमा दिया लूफ दुनिया वाल आखरा दुनिया में भी उनके लिए लानत है आख़रत में भी उनके लिए लानत है लीज़ ली अगीज़ा बेहमलक़्फ़्फ़्फ़ार कर अल्लाह ताला ने इशारा फरमा दिया कि आपसे बुग्द रखने वाले ये कुफ़ार की इलामत रखने वाले हैं नबी करीम आलिम्सलातम ने अब्दुल्ल इबिनबाई का जनाज़ा पढ़ाना चाहा या आपके उनके बेटे ने उसकी इजाज़त ली या दरख्वास की हुजूर पढ़ाना भी चाह रहे थे लेकिन अल्लाह ताला ने यह कह कर मना फ़रमा दिया वला तो सल अला अद्बिन हमात वला तक अला कब्रे इस तक फिर लहम अउला तस्तफिर लहम सब आई न मर्रा मेरे नबी ना आप जनाजा पढ़ाएंगे ना उसकी कब्र पर जाएंगे ना आप उसकी दुआ करेंगे इसलिए कि यह आयशा सदीक़ा की तोहन पर लोगों को उबारने वाला है नबी करीम आलिम सलाम आखिरी वक़्त में जब बातें बहुत ज़्यादा हैंमा कराम बैठे हैं शायद मेरी तरफ अभी इशारा भी हो जाए तो मैं अर्ज यूँ करना चाहता हूं आलम वसल्लम जब दुनिया से जा रहे हैं तो मिसवाक मेरी अम्मा के चबाया हुआ चबा रहे हैं आकैद आलम जब दुनिया से जा रहे हैं तो जिस बिस्तर पर आप लेटे हुए हैं वो बिस्तर आयशा सदीक़ा का है जो चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई वो चादर हज़रत आयशा सदीक़ा की है आज लोग कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत है मैं कहता हूँ लोगों आज जिस माँ का हम जिक्र कर रहे हैं सिर्फ़ उसके कदमों में जन्नत नहीं उसका पूरा घर जन्नत है घर की दीवारें जन्नत हैं उसके घर का छत जन्नत है उसके घर के कोने जन्नत हैं और उसके घर में जो आज हैं वो भी जन्नती हैं बल्कि वो घर जन्नतों में भी सबसे आला जन्नत है तो हम उस अम्मा की क्या तारीफ कर सकते हैं मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझसे पूछा किसी ने तेरा मैंने जन्नत कहा और कलम रख दिया दिल की तख्ती पे दिल के तहियात से नाम लिखा तेरा और कलम रख दिया मेरी माँ तेरी तत पर पर खालिक वल कलम ने कलम यूं चलाया कि बस नूर को नूर की एक आयत लिखा और तहारत लिखा और कलम रख दिया सूर्य नूर का नूर मेरे यकीमें उतरने लगा मैं संवरने लगा मैं चमकने लगा मैं महकने महकने लगा मैं धमकने लगा, मैं धमकने लगा। ऐसा डूबा मोहब्बत की आयत में कि बस फिर कुछ ना लिख सका और कलम रख दिया पढ़ना आया अम्मी पढ़ना आया तो मैंने तेरा नाम विरद ज़ुबान कर लिया हिरज जान कर लिया लिखना आया तो तुझको मैंने बख्शिश की पहली जमानत लिखा और कलम रख दिया तेरी तोसीफ़ अम्मी तेरी तोसीफ़ तो लिखने को बैठा था मैं कितनी चाहत से माँ तुझको चाह था मैं तू कहाँ मैं कहा मेरी प्यारी माँ बस यही लिख सका और कलम रख दिया आयशा सैदा तयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया माजिदा देखा मैंने ये मिसरे में बढ़ता गया तेरा काफिया और कलम रख दिया शाह आपकी तरफ बढ़ेंगे बहुत सारे सवाल मेरे पास मौजूद जाहिर सी बात है एक तो हम साथ साथ ये नजराना अकीदत तो पेश कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में सवालत इन्होंने भी तकरीबन बीच में ही तमाम सवालत का जवाबात जो थे वाँ वाँ। वो मौजूद थे ठीक है और आज तो शाह साहब के जो साहबजादे हैं वो भी बैठे हुए यहाँ पे हामिद क्या हाल है सैयद हामिद अली शाह साहब हाँ इतने से हैं इतना बड़ा नाम रख दिया आपने अल्लाह उनको बड़ा करे हमारी ये दुआ है उनसे पहले पढ़वा लें या आपसे पहले कुछ सुन लें अरे ये होता है भा ये देखें इधर तो आएंगे ये देखें ये होता है भा

सिदी रजी ताला तक के निकाह के हवाले से भी थोड़ा सा अगर उस पर भी आप लोग आए ना तो वो वो बड़ा अच्छा एक सिलसिला है और हक महर क्या था सारा कुछ ये ज़रूर बयान कीजिए श्याज कर देता हूँ बिसमिल्लम अल्लाब महमदिन सामा नाहनु इबाद महमदिन सल महबूबा महबूब खुदा हज़रत सदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह त हम उनका नसब भी देखें तो किस बाप की बेटी है जो सिपा सलारे साहबा है बिल्कुल आज भी हुजूर की आगोश में आराम फरमा रहे हैं तो कुर्बान जाइए अदरसीदा उम्रमुमिन महबूबा महबूब खुदा अदीस की किताबों में खुलासा मौजूद है कि जबरील अमीन रेशम के कपड़े में आपकी तस्वीर लेकर आज यानी वो ये निका है कि जल्ला के हुम से जी और रेशम का धागा और आपकी तस्वीर दिखाई गई बाकायदा रवायत में ही मिलता है और कुर्बान जाइए वो उमुल मुक्मिन है कि जो तमाम अजवाज मतारा में वाहिद हैं जो कवा हैं ये भी खसूसियत आपकी है ये प्रोफेसर साहब ने बताया हाँ और आ। तीसरा ये है कि हमारी माँ उमुल मुक्मिन हत रजी अल्लाह तकिया भी हैं और, औरतों में आपका एक मकाम है हज़रत सहीदराम मूसा आशी रजी अल्लाह तरमाते कि जब हदीस में हमें कोई मुश्किल होती तो हज़रत आयशर रदील्ल्ला तल फरमा हाँ। और कुरबान जाइए हज़रत मूसा बिन तला तब फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में तबीयी बुजुर्ग हैं अब कहते हैं कि मैंने हजरत आयशा रदील्ल्ला से बढ़कर किसी शख्सियत को फसाहत और बलागत में ना पाया और क़ुरबान जाइए कि हजूर आलाम के साथ जो आपका तल्लुक हजूल के आखिर याम आपके घर में और फिर आ फरमाती मुझे ये शरफ़ हासिल है कि इनके बिस्तर पर वही का नाजिल होना अल्लाह ये शरब भी हजरत आयशा से दिखा और फिर आप फरमाती कि हज़ूराम के जो आखिरी लमहत हैं वो हज़ूर इनकी गोद में और फरमाती मुझे भी अल्लाह ने शरब बख्शा कि मेरा लवाब और हजूर का लुआब अल्लाह ने इकट्ठा कर दिया वह आप कहती मेरे भाई अब्दुलरहमान हाजिर खदमत हुए तो हजूर मिशाक की तरफ देख रहे आप समझिए कि आप मिवाक को बड़ा पसंद करते हैं कहती मैंने मिसवाक को नरम किया चबाया और फिर वो हजूर ने उस मिसवाक को नोश फरमाया तो फरमाती कि मेरा लवाब और हजूर का लवाब अल्लाह ने इकट्ठा किया फिर आपकी गोद में हुजूर के आखिरी लमहत ज़ाहिरिया और फिर आज हुजूर जिस हजरे में जलबा कराएँ वो भी हमारी माँमिन आयशा सिद्दीक रहती है अल्लाह तरह तो क़ुरबान जाइए कि आपकी खसूसियात में से फिर आप सखिया भी ऐसी हैं कि हलियातौलिया में ये वाक़ लिखा है कि किसी ने आपको एक लाख धिरम भेजे एक लाख धरम और भेजने वाले आपको हदिया नजराना भेजा भेजने वाले हदरत अमीर माफिया कि अभी आप आपने कुछ ही देर में एक लाख धिलम वो सब के सब राय खुदा में सदकर और खैरा कर दिए जब अपने दामन को झाड़ा तो एक धिलम भी नहीं था तो आपकी खादमा ने कहा उमुल मुक्मिन रोजे का टाइम है कुछ तो बचा लेती मैं रोज़ा इफ़ार के लिए कुछ सामान ले लेती अंदाजा कहा घर में इफ़ार के लिए कुछ नहीं कहा कि तुमने मुझे पहले तोज्जो नहीं दिलाई किताब में लिखा है कि हजरत आयशा से जिनके पास एक लाख धरम आया है, उन्होंने पानी के साथ रोज़ा इफ्तार किया और हजूर के साथ क्या मोहब्बत है हजरत आयशा की कि आप हजूराम के विशाल के बाद जो है आप कहती हैं कि मैंने कभी सैरों के खाना नहीं खाया और अफसरदा रहती और कहती अक्सर आप हजूर के विसाल के बाद रोया करते थे अब एक तवज्जो मैं तमाम नाजर और सामिन की चाहूँगा उम्मे सलमा रजील्ला तना फरमाती है कि यारसोल्लासोल्ला जब आप हजरत आयशा के घर होते हैं तो आप हजरत आयशा के घर जब होते हैं ताइफ बहुत आते हैं तो आप उनसे कहा करें जब आप दीगर अजवाजात मुतारात के घर हों तो वहाँ भी ताइफ़ आएँ अल्ला उम सलमा से अल्लाह के रसूल है। अच्छा उनका हक था उन्होंने जो तकाज़ा किया लेकिन क़ुरबान जाइए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आयशा के साथ इधर तवज्जो चाहूँगा कि हज़ूर फरमाया उम स मुझे आयशा के मामले में अजियत ना दिया तकलीफ़ ना अब आप तवज्जो चाहें वो उमातुलमुमिन में से हैं हुजूर से उन्होंने जो तकाजा किया सर वो उम्मुल मुक्मिन होकर अर्ज करती हैं और हजूर फरमाते हैं आयशा मुझे ए उम्मे सलमा आयशा के मामले में मुझे अजियत न दिया करें सर आज के दौर में वो कैसा नापाक बेटा होगा वो कितना गलीज बेटा होगा जो उमुल मुक्मिन पर तान करे आप पर माजल्ला जुमले कसे आपकी तोहिन करे सर कितना भी गंदा बेटा हो कितना भी नापाक बेटा हो ना फरमान हो लेकिन अपनी माँ की वो इज्जत रखता है तो उम्मुल मुक्मिन पर तान करने वालों के लिए उम सलमा को हुजूर ने जो इरशाद फरमाया कि उम सलमा आयशा के मामले में मुझे तकलीफ ना दो मुझे बताएं जो हुजूर पर की उम्मुल मुमिनीन महबूबा महबूब खुदा पर तान करते हैं उन पर नक्स करते हैं उन पर ताना करते हैं उन पर जबान दराजी करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं मुझे बताएं रोजे महशर मशोल्ला के सामने कैसे हाजिर होंगे आखिरी बात मामानी कहते हैं मैं फातिहा देता था और कई अपने अहले बैत को उसका सवाब पेश करता हुजूर को सैदुल शहदा को मकतूबात रब्बानी में ही वाक्य है तो आप फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए फैसल है। भाई इमाम ताज़ा हो जाए मचल जाएंगे हजरत आयशा कुछ आने वाले हुजूर कहा कि इमाम रब्बानी कहते हैं ख़्वाब में मैंने देखा हुजूर जलवा कर हुए हुजूर ने मुझे देख कर मुँह फेर दिया कौन कह रहे हैं इमाम रब्बानी इमाम मुझे दिल रहमतुल्लाह अलैह लाए मकतूबात रब्बानी में फरमाते हैं हुजूर ने मुँह फेर लिया कहा है मुँह फेरा तो मैंने चीज़ क्या मेरे से खफा है फरमाया तुम जो खाना भेजते हो मैं तो आयशा के घर होता हूँ मैं खाना आयशा के घर खाता हूं तो तुम यानी मुरा, मुराद है कि ने फरमाया आयशा को भी ऐसा ले सवाब किया करो तो इमाम पर कहते हैं उसके बाद में जब भी फातिहा करता ताम करता तो दीगर नफुसे को सारे कर करता तो हजतः आयशा को भी करता तो ये पैगाम है खुदारा कि जब आप सब से प्यार करें उम्मुल मुमिनीन से महरूम ना हों वो महबूबाए महबूबे खुदा हैं उनकी इज्जत उनकी तकरीम हम सब पर लाजिम है फर्ज है बिल्कुल बिल्कुल सुभान अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह बहुत मजा आ गया कमाल नहीं कर दिए शेख साहब हमारे पीर साहब वारे. माशाल्लाह 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 जी भैया सुभान अल्लाह हामिद रजा साहब जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको खुश आमदेद कहते हैं और आज भी नज़ाना अक़ीदत पेश करने की छोटी सी मैं कहूँगा हम कोशिश करते हैं आप सबकी जिनको भी हमने अभी तक नज़ाना अक़ीदत पेश किया कोशिश ये रही कि प्यार मोहब्बत से कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक पहुँचती रहे उस प्यार मोहब्बत में और कुछ बयानात भी आप लोगों तक पहुंचते रहें आज हज़रत आयशा सदी का रजी अल्लाह तह के हवाले से गुफ्तु चल रही है शहीदी साहब की तरफ भी मैं बढ़ूँगा को हमने पढ़ा अभी हमने सुना आपने उनका तर्जुमा किया देखिए वो कौन था या वो कौन थे जिन्होंने उम्रमिन आयशा पर तोहमत लगाई थी बकौल मुफस्सिरीन के साहबी थे ना कोई और तो नहीं था काफ़र तो नहीं था मशरक तो नहीं था कोई मुनाफिक तो नहीं था साहबी भी कौन से बदरी साहबी थे उनको गलत हुई या उनके अंदर सुज़न पैदा हुआ या कुछ और बहरहाल उन्होंने बहुत बड़ी तोहमत लगाई ये छोटी तोहमत नहीं थी बाकी जो वाक़ हैं उसके बाद एक महीने तक क्या कुछ होता रहा मदीने के अंदर नबी करीम की क्या सूरत हाल थी हज़रत उम्र मोमिन आयशा की क्या सूरत हाल थी वो सब एक तरफ में उस तफसील में नहीं जाता लेकिन इतनी बड़ी तोहमत लगी नबी करीम खुद मगमूम थे उमिन आयशा भी मकमूम थी नौबत यहाँ तक पहुंची कि आयत उतरी और आयत कैसे उतरी आयत में उस मोमिन को और बाकी को ये नहीं कहा गया तुम काफिर हो ये नहीं कहा गया तुम मुश्रक हो ये नहीं कहा गया तुम लोग इस्लाम से खारिज हो चुके हो ये कहा गया तुम लोगों ने एक ऐसी बात सुनी तो उसको आगे बढ़ाया क्यों उसको क्यों तुम लोगों ने जबान पर आने दिया वहीं पर रोका क्यों नहीं यानी इस्लाम का मिजाज ये है कि उम्मुल उमिन आयशा के हवाले से इन आयत की मुफसरीन ने जो तफसीर किया है उन तफसीरों में आप देखें कि मोमिन आयशा को उस गुनाह से अल्लाह ने बरी करार दिया मुफसरीन की तफसीर के मुताबिक लेकिन साथ में जिन्होंने ये काम किया वो बदरी साहबी थे लेकिन उसके बावजूद उनसे कहा तोबा करो अपने दिल को साफ करो यह है इस्लाम का वो मुतवाजन तरीका लिहाजा जब हम इस तरह के ऊंच नीच को देखते हैं तो उसकी हमें पीछे जो असास् मिलती है वो या कुरान करीम में मिलती है या अहदीस में मिलती है अब जो आगे मुनाजराना जहन या मसल की अखिलाफात या फिर वाराना मिजाज रखने वाले लोग हैं वो फिर उनको ख़ूब उछालते भी हैं और फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं ठीक मुश्किल ये है ठीक है अगर इस मुश्किल से हम निकल आए तो फिर जो जिस हैसियत में अल्लाह की किताब की आयात की रोशनी में और जो नबी करीम की मुस्तनद अहदीस की रोशनी में जो मकाम जिसका है उस मकाम से आप पीछे आए तो आपने रसोल्ला की हु की नाफरमानी किया है अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है इसलिए उमुलमिन आयशा के हवाले से हो या बाकी उम्मीन के हवाले से यह बात पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ आज फिर अर्ज करूंगा कि हमें या हजरत खदीजा याद रहे या हजरत आयशा ये खुद उमहतमिन के साथ है। आप से में पूछें। इन दो के हवाले की वजह से नहीं पता वाँ वाँ कोई वाँ और वजह नहीं आए मसल है एक शख्सियत को उठाने और दूसरों को नजरअंदाज करने का बायस है इसलिए मैं कहता हूं मुतवाजिन रहे इसलिए कहता हूं सब पर दें अब यहां पर उम्र आयशा के हवाले से आप देखें पिछले साल दो साल पहले इंडिया में एक बदबख्त ने एक फिल्म बनानी शुरू कर दी इंडिया में ठीक है जी, 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 अगर जी, आपको आप याद हो उसने उसकी तोजीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बदबख्त था बदकिस्मत था जो भी था बहरहाल उसने रसुल्लाह का दिल दुखाया मैं अपनी अपना अकीदा बयान कर रहा हूं ठीक है उसने जब वो किया लोगों ने उस पर जब एतराज किया तो उसने क्या कहा मैं अपनी तरफ से थोड़ी कर रहा हूं मैं तो इन किताबों के हवाले दे रहा हूं उसने वही किताबें पेश कर दी जिन किताबों में इस तरह की रिवायात हैं अब वो किताब शिया तो नहीं है शिया में तो नहीं लिखी तो इसका मतलब यह है कि हमारी इस्लामी जो मीरास है उसमें खुशकु मौजूद है उसमें बुरी और अच्छी चीजें मौजूद हैं उसमें गलत और सही मौजूद है उनको अलग अलग करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि किस को कितना एतबार दिया जाए रसोल्ला की तोहन हो हमारी किताबों में मौजूद है ये बहुत बड़ा सितम है आ, अजवाज की तोहन किताबों में मौजूद है यह बहुत बड़ा सितम है बहुत बड़ा जुल्म है सबक राम के हवाले से भी यही चीजें हैं इसलिए मैं यह कहा करता हूं कि भाई हद से आगे ना बढ़े इन किताबों का मुताला करें सही और सकीम को अलग अलग करें जिसका जो मकाम है वो उसको दें अब जिस बंदे ने वो खबीस यहीं पर कराची का और आपका इसी डिफेंस का था डीएचए का सलमान रुशदी पाकिस्तानी था जिसने किताब लिखी उसने कहीं यूरोप पर उसे लेकर तो नहीं लिखी ना हमारे इस्लामी और दीन से मरबूत मनाबे और माख से निकाल कर लिखी और उसने कुफर किया कोई शक नहीं इमाम खुबैनी का फतवा है ना बेरे उसके वाजबुल वाजबु वाजबु कत्ल होने के हवाले से और हम सबसे आगे हैं इस मामले में इसी तरह वो जिस बंदे ने आ, इंडिया में लिखी थी उसमें भी अगर आपको याद हो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमने आवाज उठाई है किसके ख़िलाफ़ लिखी थी मोमिनीन आयशा के आवाज़ किसने उठाई हमने इसका मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि हम बैलेंस मुआरह कायम करें ना इधर से इंतहा पे चले जाएं ना उधर से इंतहा पे चले जाएँ उमन को नबी करीम की नस्बत जो रिश्ता है और जो मकाम हासिल है उस पर कोई मुसलमान शक नहीं करता लेकिन उनके जो तारीख में उतार चढ़ाव है उस हवाले से एतराफ़ की गुंजाइश है लेकिन उस एतराफ़ का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप तोहिन करें इसका मतलब कभी भी ये नहीं है जब ख़ुद उमिन आयशा सिद्दीकी साहब ने भी कई बार खुद टी वी पर इसका इजहार किया कि आखिर उम्र में हमेशा रोती रहती थी कि मैंने गलती की जब जमल की जंग हुई तो जाहिर है हज़ारों मुसलमान कत्ल हुए और बेगुनाह कत्ल हुए और उनमें तकरीबन सौ जो साहबा के नाम जो बदरी साहबा हैं उनका आ, मैं अलबा में देख रहा था कि तकरीबन आधी तदाद बदर वाले उन सहाबियों की जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया इसी जंग जमल में शहीद हुए किसकी तरफदारी में अमीरुल अमीर के किसके हाथ हूं जमल के लश्कर के हाथ हूं तो इसलिए इस तरह के वाकत पर खुद उमोमिन आखिर उम्र में हमेशा रोती रही पेशेमान रही कि यह बहुत गलत हुआ ठीक है जब ऐसा है तो इसका मतलब है हमें बैलेंस करके चलना चाहिए लेकिन कहीं पर भी तोह का कोई अनसर हो तो उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है कुरान से नहीं है दीन से नहीं है जी हजर बिसमिल्ला वसला तो सलाम रसोल्ला बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तु आज सैदलिन सैद आशतुलसदीक़ा आफीफा तय्यब ताहमल आब की बाबत हुई है जितने भी हज़रात ने हमारे जो यहाँ पैनल हैं उसने गुफ्तु की है मोहतरम शहीदी साहब ने भी ज़ाहिर आपका सवाल था उन्होंने उसके मुताबिक अपनी गुफ्तु को आगे बढ़ाया मैं चंद चीज़ें वैसे तो फज़ाइल के हवाले से मेरा ख्याल था कि मैं जो है ना वो कुछ चीज़ें अर्ज़ करूँ लेकिन ज़ाहिर अब मुझे रिबेटल के तौर पर चीज़ें अर्ज़ करनी हैं सबसे पहली बात यह जैसे शहीदी साहब ने फरमाया है किन मजीद ने उन्हें मोमिनों की माँ करार दी है और इसी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या नान नबी नबी की बीवियों तुम सबसे वराउल वराओ तुम जैसा खवातीन में और है ही कोई नहीं है क्यों कि तुम्हारी जातें मेरे यार मेरे महबूब की जात के साथ जुड़ गई तुम मेरे महबूब के हरम की इज्जतें बन गई सुबह अब हमारा आले सुन्नत व जमात का नजरिया यह है कि रसूल सल्हस के सहाबा मासूम अनिल खतः नहीं है दौरे रसूल में दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का रसूल उस माशरे में उनकी तरबियत के लिए आए तो जाहिर है तरबियत के दौरान कभी अप्स एंड डाउन होगा मामलात होंगे लेकिन हमने क्या किसी बच्चे के गिरते पड़ने को देखना है या हमने यह देखना है कि फैसल साहब जब मैट्रिक कर रहे थे तो उस वक्त फलहान जगह ये गिर गए थे इनका पांव नाली के अंदर गिरा इनके पाओं के अंदर कीचड़ लग गया या हमने यह देखना है कि यह है फैसल कुरैशी जो इस वक्त इतने बड़े पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन का होस्ट बनकर बैठा है इसी तरह रसूल सल्मा के सहाबा वो बशर हैं उनसे खताओं का होना मुमकिन है उनसे कमी बेशी होती रही हमने उन चीजों को नहीं देखना हमने यह देखना है कि फाइनली अल्लाह और उसके रसूल ने उनके बारे में और आहलार ने उनके बारे में क्या रवैया रखा है, है। खुद ओहद के अंदर नबी अलहलात स्लाम अल्लाह के नबी ने कुछ साहबा से फरमाया कि तुमने ये पहाड़ी धरा नहीं छोड़ना साहबा ने इश्तेहाद किया कि यार जंग खत्म हो गई दुश्मन चला गया आओ अब हम हमला हम करते हैं अब जिस वक्त वो चले गए पीछे से दुश्मनाया उसने हमला किया जंग का पांसा पलट गया अब क्या कहेंगे वो रसूल्ला की नाफरमानी कर रहे थे कुरान ने एक तरफ उनकी तरबियत की और आगे जाकर उनकी मगफरत और जन्नत की बशारत का बयान फरमाया अब कुरान कहता है कि अल्लाह ने और फिर इसी ओद में नबी नबीम के बहुत सारे साहबा जब शैतान ने अफवाह उड़ाई कि रसूल शहीद हो गए अब इनमें से अट्ठारह साहब रहे बाकी सब साहबा इधर उधर हो गए बहु वो तक दुनिया से तशरीफ़ हो गए गम की कैफियत में सब के जनाब फिक्र जो है ना वो इस कदर परेशान हो गई कि भाई फैसला नहीं कर पाए अब क्या करें वो अपनी मैदान जंग से चले गए हाय उधर से अमीर उलमनी ने हज़रत स्नाबकर हजरत उमर और बिलखसूस मौल कायनात को देखा गया कि वह मैदान जंग की तरफ दौड़ के आ रहे हैं यार वो तो शहीद हो गए आप किधर आ रहे हैं पर मैं शहीद हो गए हैं क्या पर मैं जब यार नहीं रहा तो हमने जिंदा रहकर क्या अल्लाह जब हुजूर नहीं रहे तो हमने जिंदा रहकर क्या हजर यहीं रुकेगा यहीं से कंटिन्यू करेंगे छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आ रहे हैं ये बड़ी खूबसूरत बात हो रही है इस वक्त जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी मौलाए कायनात मौला अली पाक और दीगर सहाबा अब इस जंग में बहुत सारे सहाबा वहां से मैदान छोड़कर तशरीफ ले गए एक एक फिक्र थी एक हाला थी हालात कैफियत अचानक हम लव पता ही नहीं चला क्या करें अच्छा अब यह है बेअदबी और गुस्ताखी और तो ये कहो वो भाग गए तंज करो वो जंग से निकल गए अरे भाई कुरान से पूछो कुरान ने उनको क्या स्टेटस बयान किया कुरान पहले कहता है तुमने मेरे नबी को छोड़ दिया सब कह के आगे फरमाया कद अफल्ला पर रब ने मेरे यार की सोबत की वजह से तुम्हें माफ कर दिया अल्लाह कुरान जिन्हें माफ कर रहा है अब हम उनकी चीजें डिस्कस करें तो ये सिवाए मुनाफकत के सिवाए तोहिन और गुस्ताखी के और कोई चीज नहीं है इसी तरह आ जाइए वाक पर एक ऐसा अजीब व गरीब सिलसिला था कि रसूल के हरम पर उंगली उठी थी हम समझते हैं कि रसूल खुदा को एक सौ एक फीसद यकीन था कि आयशा बे गुना है पर हजूर बोले क्यों नहीं अगर हजूर उस वक्त बोल जाते कि आयशा बे गुना है तो वह अदीस किसी बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी ने माजा में आनी थी तो जो लोग सैयद ऐशा की ना करदा बातों को बेस बनाकर उनकी जात पर कीचड़ उछालते हैं उन्होंने तो वैसे भी कहना था गड़बड़ तो हुई थी लेकिन ये चूंकि मोमनों ने घरों में बैठ के रिवायतें घड़ी हैं कोई कहता बूढ़े रने घड़ी है कोई कहता फुला ने घड़ी है हुजूर हुजूर खामोश हो गए मालका की निकाह नबोबत देख रही थी कि एक वक्त आएगा कि मेरी बीवी की बेअदबी और मौका आज से ना जाने जाने देने वाली कौम यह चीज करेगी हुजूर खामोश हो गए मेरे रब ने कुरान की सूरह नूर की दस आयतें शान फातमत शान आयशतो स में नाज़िल सुभान अल्लाह फैसल भाई जब कुरान नाजिल हो गया नो डिबेट खत्म जंगे जमल हुई हुई हम आलि सुन्नत बिल्कुल इस चीज को मानते हैं हुई मामला हुए आल बैत के और मामलात हुए अब हमारे मैंने लफ्ज बोला कुरान नबी आले बैत आले बैत ने क्या किया आह बैत ने क्या किया खुद वही कायनात कमोला का अमीर मोमिनतीन हजरत सैदना अली अबन अबी तालिब उसी सैयद आयशत उस सिद्दीका को उस हदीस की रोशनी में जो मेरे रसूल ने इनको वसीयत फरमाई थी कि अगर कोई मामला ऐसा मेरी बीवी के साथ हुआ तो तुमने उनकी इज्जत और तकरीम का लिहाज रखना है अपनी, अपनी, मां, तो का ख्याल अपनी मां की इज्जत का ख्याल रखना उस अली ने अपनी मां की इज्जत का वो ख्याल रखा कि अपने बेटों के प्रोटोकॉल में मदीन रसूल के अंदर अपनी मां को भेजा और इज्जत अब जब अली मां के रहा है जब हसन हुसैन मां के रहे हैं हम तो उसको माँ ही कहेंगे हम तो उसकी इज्जत मां वाली करेंगे और बाकी रह गया मामला मैं अगली बड़ी आम बात करूं रिवायात शिया माखज में भी ऐसी हैं कि जिनसे सराहतन बिल्कुल वजाहतन तो ही ने खुदा तो ही ने रसूल तो ही ने साहबा तो ही ने आले बैत तो ही ने कुरान का पहलू निकलता है रिवायात मैं रिवायात रोकूंगा, मैं रोकूंगा यहाँ पर मैं मेरी मेरी बात के बाद रिवायात आहले सुन्नत की कुत्म में भी मौजूद है और अगर इसके हवाले से कोई कहता है दयानत का तकाज़ा यह है कि वो किताबों में मौजूद रिवायतों के अगर हवाले से फैसला करता है तो फिर सिर्फ यूं ना करे यूं और यूं दोनों तरह करे रिवायतें मौजूद हैं लेकिन इससे बड़ी बदानती और कोई नहीं है कि बंदा इल्म रखने के बावजूद कि जिसके पास ये इल्म और वो फिर बात करे सबके पास जो अहले है उनको पता होता है तमाम मकते ब फिक्र केमां मुफ्तिया ने को कि रिवायतों पर मैार नहीं होता है हमारा एक बाकायदा इल्मुल कलाम है उस इल्मुल कलाम को सामने रखते हुए उस उसूल पे जो रिवायत आती है उसको कबूल किया जाता है और उस उसूल से जो रिवायत टकराती है उसको उठाकर फेंक दिया जाता है भले वो कितनी बड़ी किताब के अंदर क्यों ना हो क्या

जूर के सहाबा तो छोड़िए हम तो रसूल के कदम तय्यबैन के साथ लगे हुए खाक के जर्रे को अपनी आंख का सुरमा बनाने को अपनी शादत समझते हैं तो रिवायात तो ना ये अगर मुझे कोई कहेगा तो ये फिर चूंकि वो वो नहीं है मैं बयान कर दूंगा लेकिन मैं ऐतराफ़ करता हूं ये रिवायतें हैं लेकिन आगे रिवायत कबूल करने के लिए भाई आयत मैं शार खत्म करता हूं फैसल भाई हर आयत पे अमल नहीं है कुरान की हर आयत पर अमल नहीं है कोई नासिख है कोई मनसूख है कोई मुजमल है कोई मुश्किल है कोई मुतशाबे है शहीदी साहब से पूछेंगे मुजमल आयत पर अमल नहीं मुतशाबे पर अमल नहीं मुश्किल पर अमल नहीं किस पर मोहकम पर तो साहब जब कुरान की सारी आयतों पर अमल नहीं है तो बुहारी की सारी रिवायतों पर कैसे अमल करवा रहे हो फिर हदीस की सारी रिवायतों पर कैसे अमल करवा रहे हो ये, उनको टारगेट कैसे कर रहे हो इसी तरह से म, बस मेरा है थोड़ा, थोड़ा सा आ, थोड़ा सा मुनाजरा हो जाएगा नहीं नहीं मुनाजरा नहीं अब ज़हन खोलने ए, के लिए अच्छा है अच्छा अच्छा है किसी तरफ उम्र का फतवा लगाया सुनने वाले सुने ना हमने बेदबी की ना हमने किसी का गदस्तों को रवान किया एक क्वेश्चन सवाल उठा हमने प्यार से ये होता है बहस का अंदाज ने ना जग उठा के हाँ। मारे ना कुछ हाँ। आज अगर पांच दस मिनट के लिए सियासतदानों को किसी टीवी चैनल पर बिठाया जाए ना तो वो एक दूसरे के गरिबान पकड़ते हैं हम यहां साठ दिन साठ प्रोग्राम तीस दिन करते हैं और दो दो घंटे हमारा सेशन है तो अलहमदुल्ला आप देखेंगे कि हमने ना किसी को तू किया ना मुक्का मारा ना मुक्का दिखाया प्यार से बात करना चारा चारा जी है। दो नुकते और दूसरी बात जो अहम थी वो यह है मैंने यह कभी भी नहीं कहा कि किताबों में मौजूद अहादीस दुरुस्त है यह नहीं कहा मुफ्ती साहब गवाही देंगे दूसरी बात मैंने यह भी नहीं कहा कि यह कोई मकबूल नजरिया है मैंने ये कहा कि मुनाजराना और फिर कवाराना, जहनीयत रखने वाले लोग ऐसी ही चीज़ों को उठाते हैं और दूसरे को मतून करने की कोशिश करते हैं मैंने ये कहा और इसमें मेरा खल किसी को कोई शक नहीं है दो बातें हों तीसरी बात मैं ये बात चैलेंज से कहता हूँ ये वाली बात अल्लाह रसूल इन दो हस्तियों के हवाले से हमारी मुस्त अहादीस की चार किताबें हैं चार किताबें मुस्तनद मुस्त अहादीस की अल्लाह और रसूल के हवाले से अगर तोहन के हवाले से हता कुरान तोहन के वाले कोई एक जुमला कहीं पर मिले ना तो मुझे दिखा दें मैं उसका अहसाफ़ कर लूँगा लेकिन बाकी चीज़ों पर बात हो सकती है लेकिन ये जो दो असूल हैं अल्लाह अल्ला। और रसूल और किताब इस पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज कहीं नहीं है और कोई रिवायत ऐसी नहीं है जो तोहीन का हल्के से हल्का पहलो उसमें मौजूद हो चार किताबें चार किताबें बता दी नाम नाम बता काफी है, का काफी है है मनला फ़की है और अ तहजीब है सारी खत्म कर देता हूँ ये बहस हमारी दूर निकल जाएगी ये एक नया डिबेट शुरू हो जाएगी कि हाँ, अल्लाह और उसके की तरफ किसी के यहाँ लेवल क्या है मैं जो बात कर रहा हूँ हम अपने इल्मुल कलाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ मैं भी कि किसी के इल्मुल कलाम में वो बात बेहद भी की ना हो लेकिन मैं खुद फ्रूए काफ़ी असूल काफ़ी और इसी तरह तहजीब और इन चीज़ों से हम ये चूंकि नेशनल टी वी पर लेकिन रिवायात की हद तक हम ऐसी चीज़ें मैं शहीदी साहब के रूम में इनको टीवी पे तो नहीं दिखा सकते मैं इनके रूम में वो पेश करके हा, हा, सिर्फ अगले दो दिनों में सवाल ये करूंगा कि अब फिर आप क्या कहेंगे भी एक सेकंड है आज उम्मुल मुकमिन की हमें अजमत बयान करनी है शान बयान करनी है अवाम को तारीख कहाँ बता आप मसला को तारीख में कहा लगा रहे होना ही चाहिए आज उनकी अजमत बयान करें किसी के घर में शादी तो सर उसके वो, वो दिन दी, चीज़ों पर बात नहीं होती तो आज आयशा की खशान बयान करेंकम की हम उनकी अजमत बयान करें अवाम को हम किस काम पर लगा रहे हैं कि तारीखों में मामला में इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे जज्बात क्या हैं हम सब के जज्बा पता चल रहे हैं हजरत आयशा की अजमत को बयान करें तारीखों में कहाँ होंगे अगर तारीखों में घूमेंगे तो सर कौम बिखर जाएगी आज उनकी अजमत बयान करें होता यही है जब भी उम्मीद की अजमत की बात हो तो हम तारीखों में जा रहे हैं तो कौम को पैगाम दे रहे हैं कि हम उनकी अजमत सही तरह बयान नहीं कर पा रहे तो कौम को इसमें ना लगाएं सर कुरान हदीस मौजूद है उनकी अजमत बयान करें छोड़ें इस भट्टों को मसाइल को जी मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब से इजाज़त लूँगा क्योंकि उनका वक़्त है गुजारिश ये है जो डिबेट यहाँ हुई कलाम के वाले से भाई मुफ्ती नदीफ कुरेशी साहब ने बहुत अच्छा हमारा मौका पेश किया मैं यहाँ ये यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि तारीख इंसानों ने लिखी है वाह तारीख लिखते वक्त कौन क्या था होश में था हवास में था नहीं था उसने सस्ता नशा किया हुआ था भारी नशा किया हुआ था वो किस अंदाज में था ये अलग डिबेट है कुरान कहाँ से उतरा कुरान अल्लाह की तरफ से आए हम नबी करीम आलम सलातम के पाओ मुबारक में आने वाले चमड़े के या उस जमाने में कपड़े के या किसी भी किस्म के जो जूते थे उन जूतों की तोहिन भी बर्दाश्त नहीं करते नहीं, करते। नहीं बाँ 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 बाँ। कर सकते जब कुरान पाक में सूरह नूर सूरह नूर उतर गई उनकी सफाई में तो ऐसी कौन सी तारीख है जो गाली पे मजबूर कर रही है ऐसी नहीं, नहीं, अच्छा। कौन सी तारीख है कौन सी हदीस है, है कौन सी रिवायत है ऐसे रावियों को हम दरियाए रावी में डालते हैं बहुत अच्छे बेशक ऐसे किसी रावी की हमारे नज़दीक कोई हैसीयत नहीं है जब भी बात आएगी नबी करीम आलिम सलाम से रिलेटेड किसी भी चीज़ की वो हुजूर की आल हो, हुजूर की औलाद हो हुजूर की बच्चियाँ हुजूर के नवासे हुजूर के असाब हों हम तारीख के गंदे छीतणड़ों में नहीं हम कुरान करीम के मुकदस औराक में जाएंगे ये कुरने करीम के मुकदस औराक क्या कहते हैं कुरान कहता है वो कुल वा बाँ 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 बाँ। जब कुरान ने फैसला कर दिया तो किसी इंसान को ये जसारत किस बुनियाद पर हासिल है कि वो आज साहब करे अहल बेहतम की तोहन करे हजरत आयशा पे जुबान दराजी करे बेश हम ऐसी किसी तारीख को कती तौर पे मानने को तैयार नहीं है ऐसी रिवायतें की कोई हैसियत नहीं रखती है कुरम के मुकाबले में जब कुरान करीम आ गया तो कुरान करीम की मौजूदगी में अब किसी किताब की जरूरत कुरान नहीं। तो नहीं। तो पाक, तो पाक तो से बढ़कर तो दुनिया में तो कोई किताब ही नहीं है बहुत अच्छा। ये ये तो बरहक बात है और यही हर मुसलमान का किदा होना चाहिए आ, हमारी देखें मैं थोड़ी सी एक बात आपको बताऊं। कुछ सवाल जवाब कई दफ़ा ऐसे हो जाते हैं जिनमें कुछ मुतनाज़ हो सकती हैं बातें ये सीखने का पहलू और चूँकि तीनों मसाले के मौजूद हैं तो चारूं। हम चारों 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 मसाले के मौजूद हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर पहलू से बात हो लेकिन कभी भी आपने हम चाहे किसी भी हवाले से बात कर रहे हूं। किसी अहले सुन्नत से आपने माज़ल्ला माज़ल्ला अहले बैत के लिए कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई यहाँ पे बैठ के अहले बैत के बारे में ना बात

इस्लामाबाद के अंदर कन्वेंशन सेंटर में हजारों के इज्तिमा में मैंने कहा था कि मैं इतनी नफरत करता हूं उस बदब से जिसने आले मोहम्मद को कतल और शहीद किया कि मेरा कुत्ता हो मैं अपने कुत्ते का नाम भी यजीद न रखू अल्लाह मैं इतनी नफरत करता हूं तो। यानी आले सुन्नत का बड़ा वाज मौक है हम तो अल्लाह अकबर हम तो सरकार हुजूर सैयद आलम के जसद अतर से लगे हुए जो लिबास हमें मिले हम तो हमारे ऊपर रिक्कतें और जारियाँ शुरू हो जाती हैं कि यार ये आ तो गया देखें ये तो मोहब्बत ही मोहब्बतों की बात है थोड़ा सा आ, कहीं कहीं बच्चे कुछ कुछ लोग मिसगाइड हुए हैं कि अल्लाह के जो महबूब हैं उनकी जो महबूब हैं उनके बारे में कोई इस तरह की गलत बात करती है ये दिल दुखने वाली बात है बट एनी वे मैं जरा कुरान करीम सुना दूँ मैं ब्रेक से वापस आता हूँ <laughs> मैं ब्रेक से वापस आता हूँ <laughs> सुबह अल्लाह क्या बात है बासत माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज़ और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ एक हम मैं साथ ये भी कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी अच्छी खबरें जो हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ मोहम्मद हमज़ा एक चौदह साल बच्चा है जिसका ताल्लुक़ किमाड़ी से है एक मछेरे हैं जिनके ये साहब ज़्यादे हैं अभी आज़रबाईजान में डिबेट लिखने और बोलने का इतफ़ाक़ हुआ वहाँ पे मुकाबला हुआ और उस बच्चे ने माशाल्लाह चार गोल्ड मेडल और तीन सिल्वर मेडल हासिल किए हैं ये चौदह साल का बच्चा है और इसने सात इंटरनेशनल अवॉर्ड्स जीते हैं uh, जो दुनिया में वर्ल्ड स्कॉलरशिप कप कहा जाता है उसमें सो कॉन्ग्रेचुलेशन हमज़ा आपको बेटा बहुत बहुत मुबारक आई मस्ट से कि यू आर यू नो प्राइड फॉर योर पेरेंट्स अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे अल्लाह पाक आचाराग आपको लंबी उम्र दे और इसी तरह से अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करते रहें और इसी तरह से मुल्क का नाम भी रोशन करते रहें और ऐसी दुआएं हैं बहुत सारे बच्चों के लिए जो इस तरह आगे बढ़ते हैं बट मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब की तरफ आज रूख ही नहीं हुआ तो मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब ये बताएँ क्या लेंगे आप शहरी में कोई खास आपकी डिमांड हो तो आप बताइए आपके लिए वो पेश किया जाए <laughs> मैं मैंने ये कहा है ऑन ऑनियार कहता हूँ भाई थोड़े थोड़े पैसे मुझे दे दो मैं चुप करके बैठा रहूंगा सब बोलते रहो मैं <laughs> मुझे, मुझे लोकी कह के बोल भी पैसे लेते <laughs> <laughs> नहीं नहीं मसला ये है कि देखे मैं तो अपना <laughs> वक्त दे रहा हूँ ना जी जी ये भी लोग कहेंगे पैसे लेके चुप हो गया नहीं नहीं मैं कह रहा किससे हूँ चार लोगों से कह रहा हूँ शाह साहब अबू मोहम्मद साहब अनीफ क़ुरैशी साहब और इन चारों से जी जी आप नुमाइंदगी करो मैं चुप रहूंगा नहीं ये भी मिसाल होगी ना कि लोगों में ये मशहूर है कि मौलवी पैसे लेके बात करते हैं हाँ ये वायद मौलवी है जो पैसे लेके चुप हो रहे हैं <laughs> नहीं, नहीं नहीं आज आज जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ये खास व खास दिन के हवाले से हम भी चाहते हैं कि हमारे बहुत आप हजरत आयशा सदी रजी अल्लाह त हवाले से बहुत सारी बातें हैं गुफ्तु में आ, लेकिन साथ साथ देखें मेरे कुछ सवाल थे मैंने शाह साहब से भी पूछा था मुझे जवाब नहीं पहुंचा मैं और भी दो चार सवाल कर रहा हूं आ, वो भी कुछ जवाब नहीं आए तो हल्के फुलके छोटे छोटे से सवाल आते हैं सबसे पहला एक आप सीधे सवाल के जवाब जो अपने तर्ज से जो हैं वो उसमें जो सबसे पहला सवाल ताकि जो बच्चे भी देख रहे हों उन तक भी ये बात पहुँचे कि आपकी जो शादी मुबारक है हज़ूर पाक सल्ला वसलम से वो किस उम्र में हुई हक महर कितना रखा गया उसके बाद जो बाकी हमारी माएँ हैं उनके साथ आपका रवैया कैसा था आपका रवैया फातमत ज़ोरा अज़्लफ़ातमत तो ज़हरा के साथ कैसा था इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ सो ये 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 कुछ बातें हैं जिनकी तरफ़ हम नहीं जा पाए हैं तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इस पर आप अगर ओवरऑल करके एक आ, आ, हमें थोड़ा सा बच्चों को भी बता दें देखिए बसमिल्लर रहीम जो आपने पहला सवाल किया शाहब से कि आपका हक मार कितना था तो आपका हक मार उस ज़माने में पाँच सौ दरम नबी आसाम ने दिया सुबह लल्ला और उमुलमिन सैदा हज़रत आयशीक़ा रदी अल्लाह ता वालाम जैसे ने बयान किया कि अल्लाह रबालमीन ने नबी आम को दिखाया और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तन ने अपनी पसंदीद पसंद की जो चीज़ें बयान की हज़ूर के सामने उनमें यह कहा कि मेरी बेटी आपके निकाहाम है ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मरगूब चीज़ है सुबह और इनकी आज़मत व शान ये भी देखिए कि यहाँ ये कहा गया कि इनके वालद से हाबी हैं वालदा से हैं लेकिन भाई ये भी देखें भाई भी हैं लेकिन इनके दादा भी सिबी हैं हाँ अबू काफा उस्मान बिन आमिर बिन आमिर वो भी सिबी हैं और इनकी दादी भी सहाबियाँ हैं एजाज़ हजरत सैदा आयशा सिद्दीका को हासिल है अगली बात आपने जो की अगरचे इस पर बहस और कलाम होता है और मैं जी चौरा के भाऊ भागूंगा नहीं हम ये कहते हैं कि उमुलीन हजरत आयशीका रजी अल्लाह तना की जब निका हुआ शादी हुई तो आपकी उम्र मुबारक सत्रह या अठारह बरस थी के वक्त इस पर हमारे ने बहुत सा कलाम किया है और इस पर मुस्तरकन ने और ये जो नस्ल नो हमारी सवाल करती है ना ये हमारे यहाँ कुछ हैं तो देखिए है, कुरान मजीद फ़ुर्न हमीद एक ज़ाबा बयान करता है हम आज़मत रसूल पर सारी रिवायात को क़ुरबान कर सकते हैं लेकिन है। अज़मत रसूल पर इज़्ज़त रसूल पर हरफ आए ये हम बर्दाश्त नहीं कर, सकते नहीं कर सकते तो हमें यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई हो सकता है इमाम बुखारी से साव हो गया हो या किसी रावी से हो गया और लफ्ज इशारा रह गया तो बस ये इतनी सी बात है इसमें कोई कबात की बात नहीं है अब, अब क्योंकि कुछ जगह पे तहरीर बहुत ही कम जी उम्र की जी जी है। वो है लेकिन हम वो वही कहते हैं कि एक इंसान भूल जाता है ना जैसे अभी बात हुई और दूसरी बात यह है कि जैसे मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने कहा हम अपने कलाम पर खड़े हैं रिवायात नहीं है यानी जैसे शिया माखज में ये रिवायत मौजूद है कि कुरान मजीद फुर्खान हमीद के हवाले से कि वो चालीस से पा रहे हैं लेकिन आप इनसे पूछेंगे आपका अकीदा क्या तो अकीदा यही है कि चालीस का कोई नहीं चालीस का नहीं जायद है आ, वो जायद जायद और इजाफा दोनों के हवाले से शिया और सुन्नी दोनों किताबों मेरे वाले मौजूद है दोनों इसको नहीं मानते खत्म बात बात हो गई बिल्कुल आत्थ सही कह रहे हैं ये मैं सिर्फ इशारतन मैं कोई इस वक्त तंज या तबर्रा नहीं कर रहा मैं सिर्फ ये बता रहा हूं के रिवायात। तो वाली तो तोहमत है ना ये भी मशहूर तो है की शिया जो है, वो, वो, पता तोहमत है, है। यार, तोहमत वो जो ये न्याज नजर होती है उस पर थूक के देते है यार ये ये तो छोड़ देना ये बात ये बातें तो खाओ ऐसी बात है भाई हाँ सी, सीरियसली हाँ। ये लोग इस तरह की बातें करते हैं गुजारिश ये है कि जो शहीदी साहब कह रहे हैं बात हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा है ये रिवायात हैं और रिवायात उधर भी हैं और इधर भी हैं हाँ। हमारा उसूल क्या है आप देखिए कि हम रिवायत को पेश करते हैं कुरान पर अगर तो वो कुरान के मुताबिक है तो हम दोनों पर अमल करते हैं और अगर कहीं कुरान मजीद फुरक़ानी हमीद के वो मुकाबिल है तो हम कुरान को कबूल करते हैं रिवायत जितनी कवि हो उसके रावी जितनेबर हों हम उस रिवायत को कबूल नहीं करते कलामुल्ला के सामने कलाम है हज़रत थोड़ा सा आते हैं। आ, मैं चाहता हूं वो जरूर वही मतलब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ मैं देखिये गुजारिश ये कर रहा हूँ कि सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत आयश सिद्दीका रदी अल्लाह तहा कुर मजीद फुरक़ान अमीद ने कहा कि इन नमा यूरीद ज़िबान को मर्राहलल बैत व्यूताकम ततीरा अह सुन्नत व जमात के जमहूर ये कहते हैं इन नमा यूरीद ज़िबान को मुर्राहलल्बैत व्यूतााहकुम ततीरा में अजवाज मतारात शामिल हैं तो उनकी तहारत अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है उनकी पाकिजगी अल्लाह का कलाम बयान कर रहा है फिर हज़रत आयशा के हवाले से तो अलहदा से दस आयात हैं और हाजा अजीम कह के, के उनकी अजमत को कुरान ने बड़े खुले अंदाज में बयान कर दिया है और फिर उनकी अजमत जहाँ हम ये देखते हैं कि हज़रत साहबा कराम बयान कर रहे हैं उनसे इल्म सीख रहे हैं उनके साथ मामला कर रहे हैं वहाँ हमें उनकी इज्जत उनकी आजमत उनके मकाम और मरतबे का इधराक इस बात से भी होता है कि हज़रात एल बैत उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं ख़ुद मौला कायन के बाद में आपने हजरत कुरैशी साहब से सुन लिया आगे बढ़िए हजरत सैदना इमाम हसन वो या इमाम हुसैन आयशा सिद्दीका हमेशा उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं और वो हजरत आयशा सिद्दीका के साथ जो ताल्लुक रखते हैं वो जैसे एक बेटे का तल्लुक़ होता है वह तल्लु हमें नज़र आता है सैदा तय्यबा तायरा हजरत बीबी पाक सलाम उल्ल आ कसीरा आप बताती हैं कि अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब ख़वातीन में मेरी नजर में मैंने आयशा से ज्यादा किसी को नहीं देखा ये हजरत सैदा फातिमा का बयान है ये सलाम के जिगर का टुकड़ा यह बात बयान कर रहा है और मर्दों के हवाले से वो बयान करती हैं कि मैंने हजरत अबू बकर से बढ़कर किसी को नहीं देखा और इसके दूसरी तरफ जाइए तो हजरत आयशा क्या कहती हैं वो कहती हैं मैंने चाल ढाल में हर लिहाज से रसूलुल्लाह के ज़्यादा करीब मैंने सैयदा जारा को देखा मैंने देखा कि हुजूर सबसे ज्यादा प्यार सैयदा जारा से कर रहे हैं और मर्दों में जनाब मौल कायन से कर रहे हैं अगर हम फैसल कुरैशी साहब आज लमह मौजूद में अपनी तवज्जो रिवायात से हटाकर जरात साहब कराम पर रखें अज़रात पर रखें तो कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह उनको देखिए तो वो आपको अजमत अह बैत बयान करते हुए नजर आएंगे तो आज हमारी माँ का दिन है जो मोमिनों की माँ है आप बताइए फैसल कुरैशी साहब हजरत आयशा किसकी है? मोमिनो मोमिनों की माँ सब बोलें किसकी माँ तो भाई झगड़ा है ही नहीं जो मोमिन है उसकी माँ आयशा है जो मोमिन नहीं है उसका कोई ताल्लुक नहीं बार, अब बार, काफिरों बार। को हम क्या कहेंगे हम तो मोमिन है जो जो मोमिन है और शहीदी साहब का वो जुमला हमारे दिलों में घर किया हुआ है कि हजरत आयशा पर बात करना उन पर तोमत के हवाले से कोई इशारा भी करना वो हरमे रसूल पर हमला है वो इज्जत रसूल पर हमला है शहीदी साहब बिल्कुल सही कह रहा हूँ अब देखिए इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है और हमने कह कुरान दिया ये ये कुरान है, ये कुरान है। कुरान ये आन, का पाक कलाम बयान कर रहा है उनकी नामूस उस... पर हमले को कुरान रिजेक्ट करता है है और कहता बहुत झगड़ा कोई है ही नहीं खत्म हो गया आयशा मोमिनों की माँ है अब कोई मुस्तशर कोई काफिर आयशा की बाबत कोई कलमा कहता है तो उसको उठाकर फेंक देंगे मोमिन सारे आयशा को अपनी माँ कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और फिर मेरा दिल करता है कि मैं बार्दाए आयशा सिद्दीका में मैं कुछ क्योंकि अजान का वक्त भी हो रहा है अच्छा रहा हूं पढ़ दें बस तो मैं फिर जरा दिल मेरा करता है कि मैं पढ़ लूँ द्रोशी पढ़ लीजिए अस्सलाम वालेकुम या सियदी या रसूल तूए खान तूने जन्नत की मांई शा तूए खान तूने जन्नत की मैशा कोई दुनिया में तुझे सा कहा ईशा कोई दुनिया में तुझे सा ईशा कोई दुनिया में तुझे सा कहा तेरी पार की जी और तक दिस तेरी पा और औरत दी सिका हे गवा खान के तो जहाँ शाह यही से कंटिन्यू करेंगे अजान फजर का वक्त है उसे वापस आते हैं यहीं से कंटिन्यू करते हैं बस अजान फजर सुन के हम वापस आ रहे हैं अल्लाह अकबर اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا oh

गलत फुल आमीन सुमाम और आज की नशियात हमारी यहाँ खत्म हो रही है लेकिन हो नहीं सकता कि इस तरह हम सलाम पढ़े बगैर आपसे रुखत हासिल करें सो so, ये छोटा सा एक सलाम नज़ाना अकीदत के तौर पर और उसके बाद इन श्ला आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारी अवतार पर रमज़ान में बोल स्पॉन्सर्ड बाय रू अफज़ा मैंने मैं माज़र चाहता हूँ मैंने आपको रोका था साहब मैं बिल्कुल हाल नहीं हूँ कोई तो sa <laughs> aisha surah moumenon ki hai ma सीता आयशा है उसी प्यारे की दाशेता आयशा तू ए खा तूने की नी माँ आयशा कोई दुनिया में तुझे तो सा कहा Subhanallah Subhanallah Allah Hafiz खान ने कितनी मोहब्बत और वाराफत के साथ अकीदत के नजराने पेश किए हम एक और सेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे जिसमें मज्जत कराम हमारे साथ होंगे बस आप देखते रहिए रमजान में बोल। बोलान है, है।, है, है। नाजिन कराम मोहब्बतों की बजम फिर से चुकी है मोज़ल कराम तशीब लाचराम का वक्त मुकम्मल हुआ Uh, कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी जी हाँ बोल टेलीविजन की स्क्रीन पर आपके मेजबान हाफिज मोहम्मद ताहर कादरी के साथ और हमारे ट्रांसमिशन प्यारी ट्रांसमिशन रमजान में बोल तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए का एहसान है, है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें